हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग। सब बच्चे एक बार प्रेजेंस जाहिर करो। और ये बताओ, ऑडियो वीडियो सब ओके है? प्रिंसी, दीक्षा, मुस्कान, खुशी, आदर्श, कावेरी, बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? आप ऑडियो वीडियो एकदम सब ओके है बेटा? जल्दी से बताएं जी, जल्दी से बताएं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कहाँ गए भाई बाकी बच्चे? बेटे बाकी बच्चे भी जल्दी से सेस पे अपना नाम लिखो और ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दो क्लास स्टार्ट का, कि क्लास स्टार्ट हो गई है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बहुत ऑडियो वीडियो सब ओके ओके बेटा जी। चलिए फिर शुरू करते हैं। और आयुष आ गए क्या तुम भी? बेटे सब बच्चे बताया करो। जल्दी से बेटे, एक बार फटाफट से सारे बच्चे एक बार जल्दी से अपनी प्रेजेंस जाहिर करो। वेरी गुड मॉर्निंग प्रथम। चलिए जी शुरू करें फिर अपनी आज की क्लास। उम्मीद है कल का आपने होमवर्क कर लिया होगा। कह दो कि सर इस बार हमने आपका विश्वास तोड़ दिया कि नहीं, हम होमवर्क नहीं करके लाएंगे, इस बार तो सर हमने कर लिया है। हाँ जी, मैंने आपको थर्ड नंबर का सॉल्यूशन भेज रखा है जो हमारा अनसोल्ड है, ठीक है? जो अमालगमेशन वाले चैप्टर में अमालगमेशन ऑफ फर्म वाली यूनिट का थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने सुबह डाल दिया था 3:30 नहीं 4 बजे। गुड मॉर्निंग बेटा विवेक, आयुष, गुड मॉर्निंग। चलिए जी शुरू करते हैं, आइए जी शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो फटाफट से सारे बच्चे क्या करेंगे अब? हवन करेंगे? ना 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 ना, हवन नहीं करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे ना जी, ना 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 ना। रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। जल्दी से आइए जी। कर लिया? वेरी वेरी गुड। दीक्षा कह रही है कि सर मैंने विश्वास तोड़ दिया आपका, ये जो आप कहते हो ना बार बार कि होमवर्क नहीं करके लाए हूँ, मुझे विश्वास है, मैंने आज वो ब्रेक कर दिया, कर लिया होमवर्क। वेरी गुड दीक्षा। तो मैंने सोल्यूशन भेजा था, दीक्षा मैच हो गया आपका पिछली वाली यूनिट का, इस वाली अमालगमेशन वाली यूनिट का मैच हो गया ना? हाँ बेटे, आप लोगों का ग्रुप अभी तक नहीं बना, इस बात का मुझे भी दुख है और मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। वो शायद इसलिए वेट कर रहे होंगे क्योंकि और भी बच्चे आने लग रहे हैं, तब तक आपका पार्टनरशिप कॉमन चल रहा है ना, जरा एक बार ये खत्म हो जाने दो, फिर तो पक्का आपका ग्रुप बना होगा, ठीक है ना? आइए जरा शुरू करते हैं आयुष। तो लो जी सारे बच्चे अब मेरे साथ साथ में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ? सब सही है, सही है, सही है। चलिए जी मैच हो गया, वेरी गुड। आओ बेटा जी, हमने कर लिया था ये वाला चैप्टर खत्म और हम कहां पर पहुंच चुके थे? हम पहुंच चुके थे नई यूनिट पर, और नई यूनिट का नाम क्या था? क्या है? कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। जब ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है, पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? कंपनी में। और क्यों कर दिया जाएगा, ये थ्योरी का पॉइंट है, ये मैंने आपको लॉजिकल क्लियर कर दिया था। लिमिटेड लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है? अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंटू कंपनी, जब कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो थोड़ा सा एक बार यहाँ पे रिवाइज करेंगे, जरूरी है, जरूरी है, क्वेश्चन करने से पहले जरूरी है भाई। यहाँ ड्यूरिंग द ईयर स्टार्टिंग में जिस ईयर कन्वर्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में, शुरू में पार्टनरशिप फर्म थी ए बी सी डी एंड एसोसिएट्स, ये पार्टनर्स थे चार, ठीक है? पार्टनरशिप फर्म ने एक तरह से जैसे बिजनेस बेच दिया हो कंपनी को, इस तरह से यहाँ पे अकाउंटिंग होती है, इस तरह से। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही चारों पार्टनर, क्या मतलब सर? हाँ, वही तो, यही चारों पार्टनर जिसमें ए बी सी और डी, यही चारों पार्टनर वहां पर जाकर के क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में क्या जरूरत है बोलो? मिनिमम दो हो, है ना? मैक्सिमम एक अलग चीज है, मिनिमम दो हो, है ना? तो ध्यान से बेटे, अगर प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हुआ तो बात अलग है, पब्लिक में हुआ बात अलग है। नॉर्मली जल्दी से पार्टनरशिप फर्म को पब्लिक में कन्वर्ट नहीं करते, पब्लिक कंपनी में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी प्रिंस, अब उठे हो सो के? हाँ, अब तो जब क्लास ओवर होने वाली है आज, तुम्हें पता है प्रिंस आज सुबह 7 बजे से क्लास चल रही है, तुम अभी आए हो, अब तो क्लास खत्म होने वाली है। आ जाओ जरा, सुनो ध्यान से।
लो बेटा जी, मैं ये कह रहा था, आ जाओ। ए बी सी डी एंड एसोसिएट्स में चार पार्टनर ए बी सी डी थे, है ना, हमने ये माना था, और ये कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग इस तरह से होगी कि फर्म ने जैसे बिजनेस बेच दिया हो और कंपनी ने जैसे बिजनेस खरीद लिया हो, मतलब इनकॉर्पोरेशन, जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है इंसान के पैदा होने की, डेट क्या कहलाती है, जन्मतिथि, ऐसे यहाँ पर क्या कहलाती है, यहाँ पे निर्माण तिथि कहलाती है ना। डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि, यहाँ पे क्या होती है, निर्माण, कंपनी को क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है ना, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैटर करती है, ठीक है बच्चों। अब अगली बात, यानी कि बाद वाले पीरियड में तो कंपनी है, यानी कि एंड में, जब ईयर एंड में जब बैलेंस शीट बनेगी वो कंपनी के हिसाब से बनेगी, ठीक है। प्रिंस कह रहा है सर हमको तो नहीं पता था, 2 दिन से क्लास नहीं लिया था। अच्छा चिंता मत करो, मैं तुम्हें डरा रहा था, हमारी क्लास का टाइम अभी यही था, अभी शुरू हुई है क्लास, ठीक है, तुम लेट आए थे तो तुम्हारे से मजे ले रहा था। आ जाओ जरा ध्यान दो बेटे, पार्टनरशिप फर्म ने बिजनेस बेच दिया, यानी इस तरह से बात होगी जैसे पुरानी फर्म जो बिजनेस है सेल कर रही है किसको, कंपनी को, बस इससे पकड़ लो प्रिंस, यहां से बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, पिछली क्लास अगर तुमने मिस कर दी है। ये नई यूनिट है, कौन सी वाली, फोर्थ यूनिट, ठीक है बेटा प्रिंस, कह दो कि सर ओके। हाँ जी, अब यहां पर कैसे होना है बेटा, एक तो तरीका यह है, केस नंबर वन, यहां पे अकाउंटिंग का पहला तरीका क्या है कि मैं पुरानी बुक्स को बंद कर दो। पुरानी बुक्स किसकी थी, पार्टनरशिप फर्म की थी, ठीक है, और जी नई बुक्स को खोल दो, है ना, पुराने रजिस्टर बंद, नए रजिस्टर खुलेंगे, जैसे आप लोग जब अगली क्लास में आते हो ना, जैसे अभी फाउंडेशन से आए हो इंटर में, कई बच्चे लोग, और कई बच्चे ग्रुप वन से ग्रुप टू में आए, तो उन्होंने क्या किया, पुराने वाले रजिस्टर को रख दिया साइड में बंद करके, अब नए रजिस्टर बनाए हैं। बस बेटे बस, यहाँ पर भी पार्टनरशिप फर्म में ऐसे ही है कुछ, कि पार्टनरशिप फर्म चल रही थी, बाहर बोर्ड चेंज हो गया, ठीक है, अंदर वही बैठे हैं, अभी भी दुकान के अंदर वही बैठे हैं लोग, बस बाहर एक नाम आ गया, एबीसीडी एंड एसोसिएट्स का बोर्ड हटा करके एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। वो रजिस्टर कह रहे हैं कि अब रजिस्टर दूसरे बनाए क्या कंपनी के, हाँ बना लेते हैं, तब ये वाला केस है, केस नंबर वन, यानी कि पुराने वाले बुक्स को बंद करने की एंट्री हमें सीखनी है ना, ओल्ड फर्म की बुक्स को क्लोज करने की एंट्री हमें सीखनी है। आइए, अच्छा, और नई फर्म के यहां पर क्या करेंगे, परचेज की तरह से एंट्री होती है, वो फिलहाल हमारे यहां पर इस पार्ट में नहीं है। अच्छा दूसरा है कि नहीं भाई एक काम करते हैं क्या, कि सेम बुक्स ना कंटिन्यू करते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन करके किसी पार्टनर को रिटायर करते हैं पार्टनरशिप में, ठीक उस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। देखिए सेकंड ग्रुप में, सीए इंटर के सेकंड ग्रुप में, एडवांस अकाउंट में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसा भी नहीं कह रखा कि ये टॉपिक हट गया है, सीधी सी बात है, मैं कराऊंगा जी, ठीक है ना, एक आध लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा जी, मैं कराऊंगा जी, ठीक है, सेफ्टी मुझे चाहिए जी बच्चों की, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराऊंगा। आइए जरा, तो ये नहीं कहना बच्चों कि सर ये तो बुक के अंदर कॉपी में किताब में क्वेश्चन ही नहीं दे रखा है, ठीक है बेटा, ये है टॉपिक, अभी हटा नहीं है, मना नहीं किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब इधर बात करते हैं, तो यानी कुल मिलाकर बात ये आई कि हमें जो बातें करनी है वो कौन सी बातें करनी है, ये वाली, ठीक है, शुरू हो जाते हैं जी। आइए जरा फटाफट से, यानी जब पुरानी फर्म को बंद कर रहे हैं, ठीक है ना, और नई फर्म क्या कर रही है, उसको नई कंपनी में कन्वर्ट कर रही है, कंपनी में, ठीक है, तो कैसे कैसे होगा जी, आइए जरा, हमने लास्ट क्लास में इस बात के लिए कुछ पढ़ा था, मैंने कहा बेटे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ताकि क्वेश्चन में आपकी पूरी कमांड बनी रहे। मैंने आपसे कहा था कि बेटे जो बैलेंस शीट दी होगी हमें क्वेश्चन में, वो पार्टनर्स कैपिटल की दी होगी, हाँ जी, उधर देखते रहेंगे जहां जहां पर मैं एरो ले जाता रहूंगा, है ना, ये हाथ का सिंबल, मैंने कहा बेटे ये बैलेंस शीट दे रखी है, क्या दे रखी है बोलो, बैलेंस शीट दे रखी है, क्या दे रखी है बोलो, बैलेंस शीट दे रखी है, ये किसकी दे रखी है, पार्टनरशिप फर्म की दे रखी है, यहाँ पर क्या क्या है, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, लायबिलिटीज है, और ये पार्टनर्स की कैपिटल है, और पार्टनर्स का कुछ प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह यहाँ पर है, हो सकता है ये असेट साइड में यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी दे सकता है क्वेश्चन हमें, कोई बात नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस फिलहाल हमने माना यहीं पर है। अच्छा अब ये बिजनेस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कंपनी में, मतलब दो तरह की माइंड हमारे यहाँ पर चलेगा, कन्वर्जन से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग में ये चीज है रिवेल्यूशन करना है, नहीं, वो तब है जब बुक्स हमारी सेम बुक्स में बात होगी, तो उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, रिवेल्यूशन वाली बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमें बुक्स को क्लोज करना है, केस नंबर वन। तो पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस बेच रही है, तो हमारा सबसे पहले बेटे यहां पर आया क्या, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या कहता है कि भाई साहब ये जितनी भी असेट्स हैं,
जो असेट्स वो लेकर के जा रहा है, पहले उनकी बात करो, जो असेट्स वो लेकर के जा रहा है कि जी जो जो असेट्स लेके जा रहा है सिर्फ वो वाली बुक वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर की जाएंगी। यूनिट नंबर वन में क्या था, सारी बुक वैल्यू जा रही थी क्योंकि सबको कैश में कन्वर्ट करना था। अब सामने वाली फर्म जो जो खरीद रही है वही तो इधर ट्रांसफर होगी। हाँ, इसलिए यहां पर हमारा स्टडीमेट हमें प्रैक्टिस कराता है क्या, सिर्फ टेकन ओवर को ट्रांसफर करो, सिर्फ टेकन ओवर को ट्रांसफर करो। अच्छा, स्टेप नंबर वन में ही बेटे लायबिलिटीज की बुक वैल्यू भी हमने यहाँ पे ट्रांसफर करी। ध्यान रहे ये भी बात जो है सिर्फ उसी की है जो टेकन ओवर है, ओनली टेकन ओवर, ओनली टेकन ओवर, ओनली टेकन ओवर। अब बेटे मैंने दोनों के लिए बार बार अलग अलग लिख दिया, सिर्फ वो वाली असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर की जाएंगी रिवैल्यूएशन, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में, जो नई कंपनी जो है या जो कंपनी परचेजर कंपनी है, क्योंकि कभी कभी एग्जिस्टिंग कंपनी भी बिजनेस खरीद लेती है पार्टनरशिप फर्म को, तो भाई वो कंपनी जो है जो खरीद रही है उसे वो वाली असेट्स लायबिलिटी यहां पे जाएंगी। क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू, ओनर वाले खाते हमने ट्रांसफर कर दिए। हाँ सर, ओनर वाले खाते बैलेंस शीट से ये हटा दिया जी हमने, तो देखा जाए तो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल बेटे चले गए, तो मतलब बेटे बैलेंस शीट में कुछ भी बुक्स में नहीं बचा। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू ने सारा काम निपटा दिया। अब स्टेप नंबर थ्री, वो कहते हैं कि भाई साहब हाँ, स्टेप नंबर थ्री की जो परचेजर कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे बाई बैंक टू बैंक तो होना नहीं है, इस परचेजर कंपनी को पकड़ लो और परचेजर कंपनी को डेबिट कर दो, परचेजर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, परचेजर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, फिर इससे पीसी ले लो, पीसी अकाउंट डेबिट टू परचेजर कंपनी, पीसी अकाउंट डेबिट टू परचेजर कंपनी, और ये पीसी इधर ले लो। पीसी क्या है बेटा, शेयर्स है, पीसी मतलब यहाँ पर शेयर्स है, तो शेयर्स को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पार्टनर्स में बांट देंगे। लेकिन उससे पहले एक काम कर लेंगे, क्या ये जो प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आएगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में, फिर जा करके ये पीसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा टू बैंक ना करके, जैसे पेमेंट करना होता था ना वहां पे यूनिट नंबर वन में हम टू बैंक किया करते थे, वो ना करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टू शेयर्स करेंगे। तो आइए बेटे, कल मैंने आपको ये बातें ना आपको स्टेप्स में लिखवाई थी। स्टेप नंबर वन, ट्रांसफर कीजिए ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बेटे आप कहो, एक आध बच्चा कह रहा था सर एंट्री लिखाओगे क्या, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर, वरना बच्चे कहीं कल को मुझे ये ना कहें कि सर ने एंट्री नहीं लिखाई। आप एक बार इसको लिख लो, हालांकि इसमें जनरल एंट्री बच्चा खुद बना सकता है, पर मैं क्यों चांस लूँ। देखो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, स्टेप नंबर वन की हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स और टू करंट असेट्स। बेटा बुक वैल्यू, ध्यान रहे बुक वैल्यू यहां पे लिख लेना, यहां पे ओनली टेकन ओवर, ओनली टेकन ओवर, ओनली टेकन ओवर असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे यहीं पर ही हम लोग लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री भी लिख लेते हैं। आइए जरा, ऐसा ना हो कि कल को बच्चा ये कहे सर आपने तो एंट्री दिखाई नहीं, एग्जाम में एंट्री आ गई। आ जाओ जी, जरा इधर बात करते हैं बेटे, लायबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा बोलो। सर लायबिलिटी तो क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब हम उसको डेबिट करेंगे, वही तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओनली टेकन ओवर, ओनली टेकन ओवर लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा बोलो यहाँ पे, बुक वैल्यू। क्या आएगा यहाँ पे, बुक वैल्यू। और इस बात को हमने कैसे किया बेटे, पोस्ट कर दिया वहां पर। स्टेप नंबर वन, ट्रांसफर करेंगे जी, ट्रांसफर करेंगे जी, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे जी, असेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे जी, कहाँ पर, बुक वैल्यू। कहाँ पर बेटा, बुक वैल्यू, ठीक है जी। आइए जरा, स्टेप नंबर टू ट्रांसफर करें। अब यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों को, सर क्वेश्चन में अगर कैश बैंक भी दे रखा है तो वो भी जाएगा। हाँ बेटे, जब तक मना ना करे, जब तक मना ना करे सारी चीजें जा रही हैं, बिजनेस मतलब असेट्स और लायबिलिटीज, उसमें से हो सकता है क्वेश्चन अक्सर में उलझ जाता है, कभी किसी क्वेश्चन में कहेगा कुछ ये ले गया ये नहीं ले गया, तो उसको छोड़ते रहो, ठीक है। ट्रांसफर ओनर्स रिलेटेड अकाउंट, सर इसकी भी एंट्री लिखाई आपने, हाँ लो मैं लिखा देता हूँ बेटे, तुमने बोला और मैं ना लिखा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि किसी बच्चे ने मुझे कहा नहीं है, पर भाई कल को मान लिया बच्चा कहने लगे कि सर एंट्री तो लिखाना बनता है, लो बेटा जी, लो जी,
बेटे जितने भी ओनर्स रिलेटेड अकाउंट है बेटे, पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में भेजने की तो कोई एंट्री नहीं होगी, वो तो ऑलरेडी वहां पर बैलेंस होता है। हाँ होगी तो क्या होगी बेटा, रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स या सरप्लस है बेटे उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं और वो ट्रांसफर किए जाएंगे कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये मत पूछना कि कौन से रेशो में, क्योंकि कई बच्चे ना रटते हैं ओल्ड रेशो या न्यू रेशो। बेटे यहाँ न्यू रेशो कुछ है ही नहीं, अब तो सब खत्म, सब घर जाएंगे, यानी कि जो भी रेशो है वही है। देखो जरा फटाफट से, यहाँ पे बुक वैल्यू, यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या गलती करता है बताओ सब। गलती ये करता है, ये करता है, ये करता है, वो ये डाउट लेके आता है कि सर क्या यहाँ पर कैपिटल रिजर्व भी जाएगा। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, सारे रिजर्व जाएंगे। ठीक है, आइए जरा सर, अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो, लो बेटे कैसी बातें करती तुमने, लो भाई जितना भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस हुआ, उसको हम लोग कई बार क्या करते हैं, असेट साइड में लिख देते हैं ना। हाँ सर, अरे कैसे खत्म होगा, क्रेडिट करके होगा ना वो तो। ओहो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटे सारे पार्टनर से बट जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, बेटे नरेशन लिख लेना बाबू, है ना। चलिए जी, अब अगली बात करते हैं सर, यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस सारे, हाँ जी सारे बेटा। अगली तो मैंने एंट्री लिखा ही रखी है, परचेज कंसेशन जब ड्यू होगा तो क्या होगा, परचेज कंसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो बेटे क्या एंट्री होती है, हमने पिछली हालांकि यूनिट में कर लिया है, पर फिर भी कहीं ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो इस चीज में भी, वो लिख लें इसे अच्छे से। लिखिए बेटा प्रॉफिट होगा तो कैसे करेंगे, और अगर लॉस हुआ तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा बेटे, भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए जी यहां तक भी ओके है, आप अगली बात करते हैं बेटा जी। बेटा शेयर्स इन परचेजर कंपनी क्या हो गया, हमें रिसीव हो गए, टू परचेजर कंपनी रिसीव हो गई जी, फिर वो पीसी डिस्ट्रीब्यूट हो गया कहां पर, पार्टनर्स में। वैसे तो एंट्री क्लियर है, पर फिर भी नहीं चाहता कि जरा सा भी बच्चे को कोई अपनी तरफ से मैं शिकायत का मौका दूं। आओ मेरे बच्चों लिखो जल्दी से, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन परचेजर कंपनी बीइंग पीसी डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा मैं नरेशन नहीं लिख रहा, बीइंग पीसी डिस्ट्रीब्यूटेड, परचेज कंसेशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बेटे गार्डनर वर्सेस मर्रे लगेगा तो आपको खुद ही पता है कि रिलेशन का लॉस अगर हुआ और वहां पर सॉल्वेंट पार्टनर हुए तो पहले कैश में मंगाया जाएगा, अगर एक भी पार्टनर इनसॉल्वेंट हुआ तो। ध्यान रहे ये बात कब होती है, जब गार्डनर वर्सेस मर्रे लग रहा होता है, ठीक है, तब। वो कब लग रहा होता है, आपको हमने पहले कवर कर लिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मतलब एग्रीमेंट में कुछ ना कहा। आइए जरा सर, आप क्वेश्चन कराओगे, हाँ बिल्कुल कराऊंगा जी, पर ध्यान रहे मैंने आपसे कल बताई थी बात कि क्वेश्चन यहां पर दिखाता हूँ प्रिंसी, क्वेश्चन यहाँ पर दो तरह के हैं। लो भाई मैं एक बार एंट्री दिखा देता हूँ, है ना, ताकि हमारी एंट्री वाली बात कवर हो जाए। कुछ बच्चे कह रहे सर एंट्री दिखा दो एक बार, लो बेटा जी ध्यान से, बच्चों जी ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, स्टेप नंबर 6 की ये जनरल एंट्री, स्टेप नंबर 5 की तो एंट्री ऑलरेडी लिखी हुई है, स्टेप नंबर 4 की ये जनरल एंट्री है प्रॉफिट और लॉस,
स्टेप नंबर थ्री तो खुद में यहाँ पे हमने एंट्री लिख रखी है। स्टेप नंबर टू, जब ओनर्स वाले अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, तो दो तरह के हैं भाई, या तो रिजर्व एंड सरप्लस है या प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है। कैपिटल तो ऑलरेडी वहां पर कैपिटल में ही होती है, ठीक है। फिर है हमारा स्टेप नंबर वन, ऑन ऑल असेट्स ना करके सिर्फ और सिर्फ क्या, टेकन ओवर असेट्स और लेबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होता है, टेकन ओवर असेट्स और लेबिलिटीज से ये एंट्री की जाती है। ये वाली है हमारी स्टेप नंबर वन की एंट्री। हो गया बेटा प्रिंस, आइए जरा प्रिंसी। चलिए, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेटे दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास में होते हैं यहां पर, जिनमें से आपसे ज्यादातर जो पूछा जाता है वो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़े, वरना ये जो स्टेप हमने लगाए थे ये इस स्टेप के बेस पे आराम से क्वेश्चन हो जाता है। अब लेकिन स्टेप लगाने के लिए जरूरी है कि जिस डेट पर डिसोल्यूशन हो उस डेट की हमारे पास बैलेंस शीट हो। तो एक तो क्वेश्चन होते हैं सिंपल, सिंपल मतलब जहां पर बैलेंस शीट भी हमें उसी डेट की देगा क्वेश्चन जिस डेट को डिसोल्यूशन होगा। सर डिसोल्यूशन क्यों बोल रहे हो? अरे बेटे डिसोल्यूशन के चार प्रकार होते हैं, डिसोल्यूशन के चार प्रकार होते हैं, एक का नाम रखा है इन्होंने डिसोल्यूशन, यानी कि सेम डे पर सारी चीजें कैश। तो बच्चा ना इसमें कंफ्यूज रहता है, बेटे सॉरी फर्म को खत्म करना कहलाता है डिसोल्यूशन, बस इन्होंने इसका नाम जो रख रखा है फर्स्ट यूनिट का नाम रखा है डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान से मैं इसको डिसोल्यूशन ही बोलूंगा, क्यों? क्योंकि भले ही ये क्वेश्चन स्टडी मैट में लिखा हुआ हो सेल टू ए कंपनी करके, हो तो फर्म डिसोल्व ही रही है ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ध्यान से बेटा डिसोल्यूशन के चार प्रकार होते हैं, बस वो फर्स्ट यूनिट का नाम डिसोल्यूशन रखा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बात पूरी नहीं करते वो। आइए जरा, तो पहला केस क्या है कि अगर बैलेंस शीट भी हमें उसी डेट की दे रखी है, तो हमने जो अभी ऊपर स्टेप किए, स्टेप नंबर वन ट्रांसफर कर दो टेकन ओवर असेट्स लायबिलिटीज लगाना चालू कर देंगे, स्टेप नंबर टू ओनर वाले अकाउंट ओनर में भेजना शुरू कर देंगे, स्टेप नंबर थ्री पीसी ड्यू कर देंगे परचेजर कंपनी से, स्टेप नंबर फोर पीसी रिसीव और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेप नंबर फाइव पीसी रिसीव करेंगे, स्टेप नंबर सिक्स पीसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लो जी सर, दूसरा टाइप। हाँ ये जो है जहां पर एक्स्ट्रा वर्क करना चाहता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, अब इसका नाम लिख रहा हूं बेटा, क्या कल हमने नाम नहीं लिखा था, लिखिए जरा, जहां पर एक्स्ट्रा वर्क कराना चाहता है क्वेश्चन, एक्स्ट्रा वर्क कराना चाहता है, देन 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 कन्वर्जन स्टार्ट, देन कन्वर्जन यूनिट स्टार्ट, तब भाई कन्वर्जन वाली यूनिट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और बच्चा क्या करता है, वो एक्स्ट्रा काम करते करते थक जाता है, और वो इतने आसान स्टेप लगाने से वो चूक जाता है। क्यों? वही वाला काम होता है जैसे कोई बॉलर अगर रनिंग करके रनअप लेके आता है ना फास्ट बॉल फेंकने के लिए, हाँ, तो बच्चे को इतना पीछे भेज देते हैं, बहुत दूर से भाग के आके बॉलिंग करेगा वो बेचारा, जब बॉल फेंकने की बारी आई वो थक चुका होता है। ऐसे ही कुछ काम बेटे यहाँ पे होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है जब रनअप करना है तो धीरे धीरे करना है बॉलिंग तक पहुंचने के लिए। आइए जरा, तो हमारा जो क्वेश्चन है इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, ध्यान रखना बेटे, मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा सुन लो पहले ध्यान से, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू, क्या बेटा क्वेश्चन नंबर टू लिखिए पहले एक बार, क्वेश्चन नंबर टू। अभी हम लोग जो करेंगे यहाँ पर क्लास के अंदर, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू, जिसके ऊपर आपका होमवर्क रहेगा सेम टू सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव ये मैं आपको अभी क्लास में कराऊंगा, और ये आपका इम्प्लाइड होमवर्क रहेगा, ठीक है, सेम इसी तरह का है, तो ध्यान रखना रिपीट है, और वो कंप्लीटली सोल्व मैंने आपको दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन है, और बहुत तरीके से सिस्टमेटिक होके करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान रखना। सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई यहां पर महसूस करता है तो इसी चैप्टर में करता है, हालांकि मुझे ऐसा कभी बच्चों से फीडबैक नहीं मिला। लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें जैसे हमने कल देखा था। हाँ पढ़ो सर। बेटा देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ए और बी हैं जो बिजनेस कैरी कर रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है कौन सी डेट की, 31 दिसंबर 2019 की,
और बिजनेस कैरी किया गया टिल 30 जून 2020, और यहां पर इस डेट की हमें बैलेंस शीट चाहिए। कौन सी डेट की? बोलो, 30 जून 2020 की हमें बैलेंस शीट चाहिए। यानी आगे ध्यान रखना, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन 30 जून फर्म ने बिजनेस बेच दिया किसको? लिमिटेड कंपनी को। यानी एक बात कंफर्म है, क्वेश्चन हमें 6 महीने का रनअप लेकर के आने को कह रहा है। कह रहा है कि एक काम करो, 6 महीने पहले भाग के आओ और बताओ आज क्या हालात है। मतलब 6 महीने के बाद की पहले हमें बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद उस अपडेटेड, उस 6 महीने के बाद वाली बैलेंस शीट पे हमें स्टेप 1 2 3 4 लगाने हैं। बेटा ध्यान रखना, ये जो यूनिट है इसके क्वेश्चन बड़े लेंदी देते हैं ये लोग। क्यों लेंदी होते होंगे? सुन लो ध्यान से, कॉन्फिडेंस आपको तब रहेगा जब आप उस तरीके से करोगे, सिस्टमेटिक, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इस वाली यूनिट के क्वेश्चन दो दो तीन तीन पेज के आ जाते हैं कई बार, और वो होना क्या होता है, बस एक काम वो करवा रहे होते हैं बीच में, इस बैलेंस शीट में बीच में यहां पर काफी सारा काम करवा देते हैं कई बार, कुछ बहुत सारे ट्रांजेक्शन दे देते हैं। और बच्चा क्या करता है, उस चीज को करते करते थक जाता है, कहते हैं क्या बात कर रहे हो, मेरे को जनरेटरी लेजर्स फाइनल अकाउंट सीधा बनाना है। हाँ, 6 महीने के बाद का बनाना है। मैं आपको सच बताऊं कसम से, 11th वाला स्टूडेंट जो है ना, अगर उसको ये बोलते हैं, बस इतना दिखा दें उसको क्वेश्चन, क्या इतना दिखा दें और उससे ये कहें बेटा बना सकते हो क्या 6 महीने के बाद की बैलेंस शीट, ये तुम्हारे ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, बच्चा कहेगा इसमें क्या बात है। मैंने कहा इसी को लेकर के हमारे सीए वाले बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। ध्यान रखना, ऐसी बेइज्जती मत करवा लेना, पहले बोल रहा हूं। यहां पर बच्चे की सबसे बड़ी समस्या इस यूनिट में रहती है। मैं इस पे बात पे बार बार टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि तुम्हें और कहीं दिक्कत नहीं आ सकती, कहीं दिक्कत नहीं आ सकती इस यूनिट में। बस इतने पार्ट में करने में थकने की दिक्कत महसूस हो सकती है बस। ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट यूनिट है। इस यूनिट में आप इतनी जान लगा दो कि मतलब ये यूनिट भी शर्मा जाए कि ये कभी कॉम्प्लिकेटेड थी क्या। लेकिन तब कैसे, हमें 6 महीने के बाद की बैलेंस शीट बनानी है 30 जून 2020 की, उसके बाद जाकर के इतना सा क्वेश्चन है बस, इतना सा, मतलब इतना सा क्वेश्चन है बस। 6 महीने तक तो वो करवा रहा है जो फाउंडेशन में हम करके आए हैं, वाह बस इतना सा। हाँ, कह रहा है 4 लाख में बिजनेस बेच दिया और 10 10 रुपए के शेयर्स हैं जो आएंगे, और उनको क्या करेंगे, शेयर्स को ना पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, और अगर कोई किसी के पास में ज्यादा या कम कैश चला गया तो वो कैश में ले लेंगे। यानी सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें ये यूनिट का चैप्टर तो करना ही नहीं है, हमें पहले फाउंडेशन वाला काम करना है। आइए जरा फाउंडेशन वाला काम करें। और बेटे ऐसा मत कहना कि सर हमें आता नहीं फाउंडेशन वाला, देखो मुझे तो लगता नहीं ऐसा होगा। देखिए जरा ध्यान से, क्या मैं स्टेप्स लिखना शुरू करूं? ना सर, अभी थोड़ा ना सर, अपडेटेड बैलेंस शीट है वही तो। अब बेटे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पार्टनर ने इक्वल इक्वल अमाउंट हाफ ऑफ द प्रॉफिट जो उन्होंने 6 महीने में कमाया, जनवरी से लेकर जून तक उन्होंने वो अमाउंट विड्रॉ कर ली। देखो कितनी आसान बात कह रहा है, यानी ये कह रहा है कि भाई साहब जो 6 महीने जनवरी से लेकर, क्योंकि देखो दिसंबर 31 2019 की बैलेंस शीट दे रखी है, यानी जनवरी 2020 से बात शुरू होगी, तो जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून तक का जो प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट आया, जो 6 महीने में प्रॉफिट आया, कह रहे उसका आधा उन्होंने निकाल लिया, उसका आधा उन्होंने निकाल लिया। चलिए अब हमें क्या पता होना चाहिए, जरूर बताओ, हमें पता होना चाहिए 6 महीने का प्रॉफिट, है ना। आइए जरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको हम कुछ बातें बता रहे हैं, क्या ये ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट है कैसे आया था कि हमने ना 6 महीने में डेप्रिसिएशन लगाया, लीज होल्ड पे लगाया 10%, प्लांट मशीनरी पे लगाया 10%, फर्नीचर पे लगाया 10%, क्रेडिटर्स जो है वो घट गए थे 6 महीने में, बिल्स पेबल जो है वो घट गया था इतने रुपए से, बैंक लोन वो इतने रुपए से कम हो गया, और 30 जून को हमारा स्टॉक इतने रुपए का था, डेटर्स जो है वो 75,000 के थे, कैश एट बैंक। बस भाई बस, डूब के मरने वाली बात हो जाएगी हमें शर्म से, अगर हमने अभी भी 6 महीने के बाद की बैलेंस शीट बनाने में हम ये कहें हाय रे कितना भारी क्वेश्चन है। आओ बेटे सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान रहे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को तरीके से आप पढ़ोगे तो आपकी टिप्स पे खेलेगा, लेकिन 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 हमेशा एग्जाम में पहले वो फॉर्मेट बनाओ जो क्वेश्चन मांग रहा है, क्योंकि नंबर उस बात के हैं। क्या मतलब, हमें समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ सर, ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या मांगा आपसे, जिस बात की, वो 16 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 12 नंबर जो देगा, कह रहा है ये बना के दिखा दो 30 जून यानी कि 6 महीने के बाद वाली बैलेंस शीट
जो है उससे आप नेट असेट्स निकाल के दिखा दो। नेट असेट्स? हाँ, अरे असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स माइनस लायबिलिटी मतलब ओनर कैपिटल। एक तरह से देखा जाए तो ये हमसे ना 6 महीने के बाद की कैपिटल निकलवा रहा है देखा जाए तो। फिर कह रहा है ये भी बता दो कि कितने रुपए का प्रॉफिट इसने 6 महीने में अर्न किया था। दूसरा स्टेटमेंट ये बना के दिखा दो। और फिर तुम वो कर दो जिस बात के लिए तुम्हें इस चैप्टर में आना था। कह रहे रिलेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, वगैरह वगैरह। सर अब करना क्या है ये बताओ। करना ये है बेटा, आपको सबसे पहले एग्जाम में सॉल्यूशन में वो फॉर्मेट देना है जो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। बाकी सारा काम अपनी मर्जी से वर्किंग नोट में करना। फ्रंट पे वो आंसर का फॉर्मेट देना जिस चीज की वो रिक्वायरमेंट है। चलिए जरा, तो मतलब ये मांग रहा है हमसे, देखिए यहां पे फटाफट, आंसर नंबर टू, आंसर नंबर टू ये हमसे मांग रहा है स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स। ठीक है जी, स्टेटमेंट बोला इसने, अकाउंट नहीं। स्टेटमेंट हमेशा ऐसे दिया जाता है लिख के, लो जी स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। नेट असेट्स तो सर हमें पता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, वही तो बेटे मांगा तो इसने 6 महीने का है। क्यों ना मैं इसका शुरू वाला भी दे दूं? सर नंबर तो नहीं कट जाएंगे? नहीं बेटे, बस थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंट महसूस होगा। अच्छा चलो सर, चलो जी आंसर। हाँ जी, स्टेटमेंट सबसे पहला पार्ट बेटा वैसे ही नंबरिंग देना जैसे क्वेश्चन नंबरिंग देता है। जैसे इसने यहाँ पे क्या लिखा, नंबर वन ये दे दो। लो भैया नंबर वन ये ले लो। अच्छा नंबर टू आप बना दो प्रॉफिट अर्न का। ओ पहले इसका नाम लिखो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स एज एट 30th, कौन सा है, 30th जून 2020। हमसे मांगा 30 जून 2020 का। फिर भी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहां पर ओपनिंग भी बना दूं तो कोई मुझे नंबर नहीं काटने वाला वो। हाँ लेकिन एक चीज मेरे को मिलने वाली है इससे, अगर मैं दोनों बना देता हूं और नहीं भी बनाए तो भी बेटा चलेगा। क्या मतलब सर, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर चाहूं, चलिए 30, तो जी 30 जून 2020 का मुझे यहां पे स्टेटमेंट बनाना है। क्या मेरे पास में 1 जनवरी 2020 की डिटेल भी है? हाँ सर है, अगर मुझे कहीं पे जरूरत पड़े तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ। बताओ नेट असेस का निकालने का क्या तरीका होता है? सर नेट असेस निकालने का तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, बताओ क्या? सर असेट्स, हाँ जी असेट्स में से आप घटा दो। मैंने कहा बताओ बेटे क्या घटाऊं? सर असेट्स में से आप घटा दो, लेस कर दो लायबिलिटीज, लायबिलिटीज जो भी है हमारी लायबिलिटीज। एक काम करें, पहले हम यहां पर टोटल करेंगे किसका, असेट्स का, इससे ऊपर है ना, और फिर हम इधर टोटल करेंगे किसका, लायबिलिटी का। इसको मैं नाम दूं टोटल ए, हाँ सर, फिर मैं इसको नाम दूंगा टोटल बी, ठीक है सर, फिर मैं यहां पे लिखूंगा नेट असेट्स। नेट असेट्स मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कि ए माइनस बी। बेटे पता है इसी को तो बोलते हैं हम कैपिटल। ओ ये बात, असेट्स माइनस कैपिटल, कैपिटल प्लस, सॉरी असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखा जाए तो बैलेंस शीट में और बचा क्या है? देखा जाए तो बैलेंस शीट में और बचा क्या है? अगर मैंने कंपनी की, या सॉरी अगर मैंने पार्टनरशिप फर्म की, इधर देखना जरा, अगर मैंने पार्टनरशिप फर्म की इस टोटल असेट्स में से, क्या कहा मैंने बेटा, इस, ध्यान से सारे बच्चे ध्यान देंगे, इस टोटल असेट्स में से अगर मैंने ये टोटल लायबिलिटी घटा दी तो बताओ बेटे क्या बचा? भाई कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों बच गए। हाँ चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है तो क्या हुआ? कहीं पर अगर मैं असेट्स माइनस लायबिलिटी घटा करके नेट असेट्स निकालूं तो उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग ये होता है वो कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल होता है, मालिक कितने हैं। चलिए ये बात ओके है, हाँ जी ये बात ओके है। अबे भैया इरेजर आ जा। अच्छा चलो ठीक है सर, समझ गए। अब बताओ सर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तरीके से चलना। जितना ज्यादा अच्छे से तुम इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो उतना किसी और क्वेश्चन में नहीं होगा।
क्योंकि एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा आराम से भागा चला जाएगा। तो जी देखा जाए तो ये हमारे यहाँ पर रिजर्व में सरप्लस तो इसके अंदर है ही नहीं। हाँ सर, तो यहाँ पर हमारी क्या मिल जाएगी, कैपिटल। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब जरा इधर आओ, वर्किंग नोट दूसरा, स्टेट सॉरी वर्किंग नोट नहीं, स्टेटमेंट दूसरा। स्टेटमेंट क्या है सर बताओ बेटे, दूसरा उसने क्या मांगा, उसने मांगा है हमसे, क्या मांगा है सर हमसे, डालो यहाँ पर सेकंड। ध्यान रहे क्वेश्चन में सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में हमें वो देना होता है जिस बात के वो नंबर मांग रहा है दे रहा है। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 6 मंथ एंडिंग 30 जून 2020। अच्छा लिखना जरा यहाँ पे एक बार, पार्टिकुलर्स यहाँ पे लिखो अमाउंट। ये कह रहा है क्या कि भाई साहब ये बता दो, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 6 मंथ, भाई 6 महीने के दौरान आपने क्या प्रॉफिट कमाया, इस बात का स्टेटमेंट बनाओ। एक तो ये करो और दूसरा ये काम करो। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पार्टनरशिप नहीं पढ़ रहे हैं। एक मिनट, तो यहाँ पे बताओ हमें क्या चाहिए। अरे सर वेरी सिंपल है सर, बहुत सिंपल है भाई। अगर मैं देखूं यहाँ पर बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्या कैपिटल का कंपैरिजन कर लूं ओपनिंग और क्लोजिंग, तो मेरे हाथ में मेरा प्रॉफिट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। हाँ सर लग तो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसमें से घटा दूं क्लोजिंग वाली जो कैपिटल है, जो अभी अभी मैं स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट से निकालने वाला हूं, उसमें से अगर मैं घटा दूं, लेस कर दूं, क्या लेस कर दूं, ओपनिंग वाली कैपिटल यानी कि ओपनिंग वाली नेट असेट्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या मेरे हाथ नहीं लग जाएगा, क्या नहीं लग जाएगा सर बताओ भाई। ये प्रॉफिट अर्न नहीं सर, नहीं लगेगा। क्या मतलब प्रॉफिट अर्न नहीं लगेगा सर, ये लगेगा प्रॉफिट अर्न माइनस ड्रोन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर ये लगेगा। सर एक बात बताओ, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिफरेंस में होती हैं। क्या मतलब सर, वहां पे ड्रॉइंग्स भी होता है। हाँ वो इस क्वेश्चन में नहीं है ना बेटा, मैंने इसलिए नहीं लिखा। अच्छा फिर सर वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जुड़ता है ओपनिंग क्लोज कैपिटल में, तब क्लोजिंग कैपिटल आती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं था, मैंने इसलिए नहीं लिखा। यानी जहां क्वेश्चन में होगा वहां तो मैं उसको मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन जहां पर नहीं है मैं क्यों बिना बात के लंबा स्टेटमेंट करूं। सीधी सी बात है, ओपनिंग वाली कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में इस क्वेश्चन में किस चीज का डिफरेंस है, जो हमारा 100% प्रॉफिट है उसका 50% निकाल लिया गया। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो है ये है 50% ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर मैं ये कहूं बेटे 100% में से मैंने 50% प्रॉफिट निकाल लिया, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो 50% के बराबर होगा। क्यों, अगर मेरी जेब में शुरू में 1 लाख रुपए थे और ईयर एंड में मेरी जेब में 1,20,000 रुपए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने 20,000 कमाए। हाँ लेकिन अगर वो 20,000 कमाए तो, यानी अगर मैंने ये कहा कि वो 20,000 कमाए नहीं है, 20,000 तो तब है जब मैंने प्रॉफिट अर्न में से आधा निकाल लिया था। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस किस चीज का होगा, मेरा नेट प्रॉफिट जो अर्न तो हुआ उसमें से ड्रॉइंग्स घटाने के बाद, ड्रॉ जो हमने कर लिया प्रॉफिट, जो बचा हुआ प्रॉफिट अभी भी कैपिटल में जुड़ा हुआ है जिसको हमने घटाया नहीं, यानी कि साल भर में जो भी मेरे प्रॉफिट का पार्ट मैंने निकाल लिया था, वो घटाने के बाद जो स्टिल बैलेंस पड़ा होगा वहां पर वो मेरा मिलेगा। यानी कि इसका मैं जस्ट डबल करूंगा, अगर मैं इसका 100% जानना चाहता हूं तो बताओ क्या होगा, इसका भाई डबल करना पड़ेगा।
जब 50% निकाला है तो डबल करो, डबल ऑफ, मैं इसको एक नाम दूं क्या, इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी, तो मैं कह सकता हूं डबल ऑफ ए इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखना ये डबल मैंने इस जगह पे किया क्योंकि हाफ निकाला, क्योंकि आधा प्रॉफिट निकाल लिया है ना, जो ड्यूरिंग द ईयर निकाला गया है हाफ प्रॉफिट जो है वो निकाल लिया गया था, ये बात हमें क्वेश्चन ने बता रखी है। मुझे पहले ये बात बताएंगे क्या ये स्टेटमेंट बच्चों को समझ में आ गया है कि नहीं, मुझे जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे क्या ये बात समझ में आ गई है कि नहीं बेटे, फिर पता है क्वेश्चन का पता भी नहीं चलेगा, इतना आराम से सोल्व हो जाएगा ऐसे ही। पहले ये स्टेटमेंट समझ लो, मुझे एक बार बताएंगे सारे बच्चे क्या ये बात समझ में आ गई है। हाँ सर समझ में आ गई है, नहीं आई तो मुझे बोलो, और आ गई है तो भी बोलो, जल्दी बताओ बेटे, सिस्टमेटिकली चलना है, स्पीड मेंटेन करके चलना है, कोई भी चीज मिस ना हो जाए, आपके सारे मोतियों की माला की तरह से एक एक मोती पिरोना होता है, तो मुझे प्लीज ये बताइए ये बात ओके है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। आइए मैं दोबारा बताता हूं, देखा ना मैं कह रहा हूं ना एक बच्चे को दिक्कत हो सकती है, बेटा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, चलिए हाँ मैं दोबारा बताता हूँ, नहीं समझे ना, हाँ वही तो, चलो एक काम करते हैं मैं दोबारा से बताता हूँ, सुनना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो सारे बच्चे ध्यान से, एक नया एग्जांपल लेता हूँ इस बात को समझाने के लिए। अगर ये कहा गया, सबसे पहले डाउट किसने पूछा था, मैं उसी का नाम लेता हूँ, बेटे ये अब जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ यहाँ ग्रीन कलर से, ये सिर्फ समझना है ठीक है, वो स्टेटमेंट हमें लिखना था, सुनिए मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले डाउट किसने पूछा मैं उसे पूछता हूँ, उसका नाम लेता हूँ दीक्षा, सुनो सारे बच्चे, दीक्षा घर से निकली सुबह, ये बेटे सुबह का मामला है, सुबह मॉर्निंग, और इनके पास में 1 लाख रुपए थे, कितने थे 1 लाख रुपए, मतलब मैं कह सकता हूं इनके पास में जब ये सुबह चले तो 1 लाख रुपए थे, हाँ जी, और शाम को आकर के इवनिंग टाइम में आकर के ये अपने दिन भर की कमाई की बात कह रहे हैं, इन्होंने अपनी पॉकेट देखी, दीक्षा ने अपनी पॉकेट देखी और पता चला कि इनकी पॉकेट में 1,20,000 रुपए हैं, तो इनसे सवाल किया गया, बताओ भाई दीक्षा तुमने कितना कमाया, तो दीक्षा कह रही है कि तुम ही निकाल लो ना, मैंने कहा ये तो मुझे तो सिंपल लग रहा है कि ओपनिंग कैपिटल और भाई क्लोजिंग वाली कैपिटल, क्लोजिंग वाली कैपिटल जो है इन दोनों में डिफरेंस निकाल लूंगा मैं तो, हाँ तो इनमें तो मुझे साफ साफ लग रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है 20,000 है, तो मुझे तो लग रहा है 20,000 प्रॉफिट है, तो दीक्षा ने बताया नहीं नहीं सर एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूं, मैंने बेटा क्या हुआ कि सर जो मैंने नेट प्रॉफिट कमाया था ना पूरे दिन में, हाँ उसका सर 50% मैंने निकाल लिया था, आज मैंने खर्च कर लिया था दिन में, तो ये जो बचा हुआ है ना सर ये बाकी का 50% है, यानी कि टोटल नेट प्रॉफिट का 50% है जो बचा हुआ है, अभी भी मैं शाम को घर लेके आई हूं, तो मैंने कहा फिर इसका मतलब दीक्षा तुमने कमाया कितना था, बेटे बाकी बच्चे बता सकते हैं इसका मतलब दीक्षा ने कमाया कितना होगा बताओ जरा, मैं नाम दीक्षा का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसने सबसे पहले डाउट पूछा था, हाँ सुनो ध्यान से सारे बच्चे, मुझे पहले इसका आंसर दो जल्दी से, कितने रुपए उसने कमाए थे इसका मतलब, कितने रुपए उसने कमाए थे पूरे दिन में, कौन बताएगा जी, देखा सब बच्चों ने पता क्या कहा, सर दीक्षा ने कमाए तो हम क्यों बताएं है भाई मुस्कान, मुस्कान ने बता दिया, दीक्षा ने बता दिया, कवि ने बता दिया, वेरी गुड, सब बच्चों ने आंसर, वेरी गुड आयु, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही आंसर बताया जी उन्होंने, सर इसका मतलब उसने 40,000 कमाए थे, मैंने कहा कैसे कि सर देखो 50% निकाला, हाँ तो इसका डबल कर लो ना, मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात कही, अच्छा तो वही तो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हमारे हाथ जो लगेगी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो किस चीज का होगा, वो बाकी के बचे हुए प्रॉफिट का होगा, क्यों क्यों, क्योंकि आधा प्रॉफिट तो निकाल लिया था, यानी कैपिटल का जो बैलेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो डिफरेंस है वो सिर्फ उस अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है यहां पर जो साल भर का प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ा और घटा नहीं,
यानी कि जो निकाल लिया वो तो घटा लेते हैं ना, तो यहां पर जो डिफरेंस है वो बचा हुआ 50% है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये कहूं कि भाई ये जो है ये वो 50% है बचा हुआ, क्योंकि हाफ प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया टोटल प्रॉफिट का, इसका मतलब क्या है बेटा, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो 50% है, यानी टोटल साल भर का मुझे प्रॉफिट जानना हो तो मैं इसका जस्ट डबल करूंगा, यानी कि 100% के लिए क्या होगा, इसका जस्ट डबल करूंगा तभी तो मैं 100% पे पहुंचूंगा। अब मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है? अभी तक हमारा इस यूनिट का क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, अभी तक तो हम फाउंडेशन में घूम रहे हैं। मुझे जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को, यस और नो? अब मुझे बताओ जी, कावेरी कह रही है क्लियर सर, बाकी बच्चे बताएं, और जब तक खुद को क्लियर ना हो दूसरे के क्लियर कहने पे अपना आंसर चेंज मत करना। आ गया सर बहुत अच्छे से, अब ओके। और किस बच्चे ने पूछा था जी, देखो देखो देखो, विवेक, आयुष, मुझे जल्दी से बताओ बेटा, मुस्कान का भी ओके है, विवेक और आयुष जल्दी से बताओ, ठीक है? तो पता है बेटे इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, हम जो 6 महीने के बाद वाली बैलेंस शीट है, चलिए आयुष को भी क्लियर है, हम जो 6 महीने के बाद वाली बैलेंस शीट है उससे कहां पर पहुंचेंगे बताओ, बताओ कहां पहुंचेंगे? सर सिंपल है सर, इसमें कैसी बातें कर रहे हो सर, अब तो पता है। हाँ, उससे हम ये 30 जून, कौन सी बेटा, 30 जून वाली जो बैलेंस शीट है उससे बेटे हम यहां पर पहुंच जाएंगे, और हमारे पास में क्या लग जाएगी बोलो, कैपिटल क्लोजिंग वाली हाथ लग जाएगी, और जो ओपनिंग वाली कैपिटल होगी वो ओपनिंग बैलेंस शीट से हाथ लग जाएगी। कैसे सर? बेटे वो तो यहां पे दे भी रखी है, वो तो यहां पर इन दोनों का टोटल कर लूं तो भी आ जाएगी 2,90,000। हाँ ये बात तो सही है, यानी कि ये जो 1 जनवरी 2020 यानी कि 31 दिसंबर 2019, एक ही बात है, वो वाली कैपिटल मेरे पास में होगी, तो मैं बस क्लोजिंग कैपिटल निकाल लूं, जो मेरी पता कहां से आ जाएगी? हाँ सर वो तो हमें पता है सर। मैंने कहा बताओ कि ये जो आपने इधर स्टेटमेंट बना रहे हो, ये देखा जाए नेट एसेट्स बोल भले रहे हैं, तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये आपके हाथ लग गई सर? हाँ। और मैंने कहा ये तो पहले से पता है। हाँ। ये कितनी है, हमारी जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो इन दोनों का ही तो आप वहां पे कंपैरिजन कर रहे हो। हाँ, तो मतलब सीधी सी बात है, ये जो यहां पर आएगी ये क्लोजिंग कैपिटल होगी जिसको मैं उधर लेकर के जाऊंगा इधर। वाह 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 वाह, कितना सिंपल कितना सिंपल कितना सिंपल। सर एग्जाम में ऐसे तीर कांटे लगाए क्या? नाना नाना नाना। क्या मैं आगे चलूं? चलिए जी, फिर इसके बाद में जब हम लोग ये काम कर लेंगे तो प्रॉफिट वगैरह अर्न हमारा निकल जाएगा, तो हमें क्या करना होगा जी, कुछ छोटे छोटे काम करने होंगे जी। तो सारे बच्चे अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब बेटा क्वेश्चन में अगला फॉर्मेट खींचेंगे। बेटा ये जो मैंने बीच में ग्राफिक्स की है, ये जो मैंने बीच में यहाँ पे ग्राफ बनाया है, आप प्लीज इसको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है? ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ, और मैं छोड़ रहा हूँ इसको यहाँ पे बना हुआ, आप ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं बनाएंगे, ठीक है? तो मैं चल रहा हूं आगे। अब इसके बाद में हमारा शुरू हो जाएगा, क्या क्या शुरू हो जाएगा सर, जब ये काम कर लेंगे बेटा फिर आप शुरू कर दोगे थर्ड वाला पार्ट सॉल्यूशन का बनाना। अच्छा सर, हाँ फिर आप क्या करोगे? अरे सर फिर तो हमारे हाथ में काम शुरू हो जाएगा। क्या? सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे? यस। और फिर हम बनाएंगे क्या, बोलो बोलो, जब सारी एसेट लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफर कर देंगे फिर सर वहां पे आ जाएगा परचेजर कंपनी अकाउंट। अच्छा, परचेजर कंपनी अकाउंट बनाओगे जो हमने स्टेप्स में सीखे हैं। हाँ, फिर कौन सा अकाउंट बनेगा सर? वहां से शेयर्स मिलेंगे ना। हाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शेयर्स इन परचेजर कंपनी अकाउंट। जैसे जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप में हमने देखे थे, ओवरऑल वहां पर इस चैप्टर के काम को अब शुरू किया जाएगा इतना काम निपटाने के बाद। चलिए आइए जरा नेक्स्ट, फिर हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं जी यहाँ पर, कितने पार्टनर हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में जी? दो ही पार्टनर दो ही पार्टनर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए की कैपिटल बी की कैपिटल दोनों का पेमेंट कैसे करेंगे? ये शेयर जो यहां पर आएंगे ना उनको ट्रांसफर करके करेंगे। मतलब
मतलब फिर हम बनाएंगे यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं सच में, लेकिन उसी बच्चे के लिए जिस बच्चे ने समझ लिया कि अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ है। वो सुना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, टां 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 टां, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है, मतलब ये पहला पार्ट निपटाने के बाद, ये पहला पार्ट निपटाने के बाद फिर बच्चा कहेगा अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है, टां 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 टां, फिर यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, तो आओ जरा शुरू करें। शुरू कराओ सर। मैंने कहा लो बेटे कर देते हैं शुरू। बताओ बेटे बताओ, ओपनिंग वाली बनाओ क्या? सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बना रहा हूं। हाँ बेटा, शेयर्स ट्रांसफर होने वो आगे पीछे हो सकते हैं ना। अभी आप एक आध क्वेश्चन करोगे ना कावेरी, तो अपने आप सीक्वेंस बनाते जाओगे, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद करोगे। अरे सर ऐसे नहीं, ऐसे करो, आपको खुद ज्यादा अच्छा लगेगा। सर एक बार और बता दीजिए प्लीज। प्रिंस क्या बता दूं प्लीज? अच्छा पुरानी वाली बात है क्या? गंदी बात। आ जाओ जरा। लो बेटा सबसे पहले बेटे फटाफट से आइए, हम ओपनिंग नेट असेस निकाल के देखें कैसे निकाला जाता है नेट असेस। हाँ सर बेटे, इन सब का नाम लिख दो फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। ओ जल्दी जल्दी लिखाओ सर फिर। हाँ लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा फिर 80,000। लो बेटा जी 80,000। सर ओपनिंग तो बनाने के लिए बोला ही नहीं है। नहीं बस मैं आपको बना बना के बता रहा हूं कि ऐसे बनाते हैं ताकि थोड़ा सा आपकी कंट्रोलिंग बनी रहे। ठीक है, आइए जरा। लैंड और बिल्डिंग, हाँ जी। प्लांट मशीनरी कितने की है? लो जी प्लांट मशीनरी कितने की है, प्लांट मशीनरी कितने की है? 1,80,000। अच्छा आप हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, वही तो। फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का? फर्नीचर है जी 20,000 का। ओ 20,000 का। इधर स्टोक 60,000, स्टोक 60,000। ये 1 जनवरी मतलब 31 दिसंबर 2019, यानी कि 1 जनवरी 2020। फिर है बुक डेट्स, बुक डेट्स मतलब डेटर्स, बुक डेट्स कितना? 68,000, 68,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक। अब बच्चे का हाथ कांपेंगे लिखते हैं कैश एट बैंक भी? हाँ बेटे हाँ, उसने मना किया क्या? नहीं लेके जाएंगे। नहीं सर, तो लिख दो फिर। और वैसे भी अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम बैलेंस शीट ही तो बना रहे हैं। गलत है सर। क्या गलत है, क्या हो गया? आयुष बोलो बेटा, आयुष क्लियर है सर? पहले बोला था क्लियर है, अब बोल रहे गलत है सर। आयुष बताओ बेटे क्या बात हुई? 2,000। अच्छा टोटल बताओ जी। सर टोटल तो बैलेंस शीट से मिल जाएगा। अच्छा बैलेंस शीट से मिल जाएगा, ओ हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। लायबिलिटी की बात करो। लो बेटे ये वाला बैंक लोन 40,000, सिंडिकेट 70,000, बिल्स ब्लड प्रेशर 10,000। अच्छा लायबिलिटीज में क्या है जी? बैंक लोन, बैंक लोन 40,000, सन्ड्री नहीं, ये फिर क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000। बेटा एक बात ध्यान रखना, हो सकता है किसी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं की हो, तो भाई देखो उसको समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर उसने शुरू वाला पार्ट अभी आज के लेक्चर का ध्यान से नहीं सुना। तो बेटा ब्लड प्रेशर कितने का है? 10,000 का। 4 और 7 11 और 1 12, 1,20,000। तो 4,10,000 में से अगर मैं घटा दूं 1,20,000, तो कितना बचा जी? 4,10,000 में से घटा दूं 1,20,000, तो कितना बचा जी? सर ये बच गया 2,90,000। ये बच गया बेटे 2,90,000। अब अगली बात, ऐसे ही तो हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग, मतलब देखा जाए तो 2,90,000 क्या है बताओ? 2,90,000 है क्या? सर इन दोनों का टोटल ही तो है। हाँ वही तो, मैं यही तो कह रहा था, असेस माइनस लायबिलिटी मतलब कैश
कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है क्योंकि आप टोटल एसेट्स में से आप लायबिलिटी घटाओगे तो कैपिटल रिजर्व सरप्लस दोनों ही चीज का तो टोटल आता है ना, उसी को तो बोलते हैं नेट एसेट्स। चलो जी यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है तो क्या कैपिटल का टोटल आ गया। आइए जरा, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे क्या कि भाई ये हमें ओपनिंग कैपिटल तो पता चल गई। हाँ सर, सर वो तो हम वैसे भी उन दोनों का टोटल करते तब भी तो पता चल जाता। हाँ बस ऐसे ही 2,90,000 हमारी है ओपनिंग कैपिटल। मतलब समझ लो, अब दीक्षा वाला एग्जांपल पूरा करते हैं कि दीक्षा घर से चली सुबह को तो 2,90,000 उसकी जेब में पैसे थे। अब शाम को जब पहुंची घर पे तो कितने रुपए लेके पहुंची, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, वो हमारा जो प्रॉफिट है प्रॉफिट का वो वाला हिस्सा आ जाएगा जो कमाने के बाद में खर्च करने के बाद में भी दीक्षा घर पे लेके गई बची हुई है ना। जरा आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट देखें, ये रही बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट। कहाँ है सर, हमें तो दिख नहीं रही। ओ नो, हमें बनाना पड़ेगा क्या वर्किंग नोट? हाँ सर, क्या मतलब? अब सर हमें ना इस वाली इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके तब वर्किंग नोट बनाना मतलब बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पर सर बैलेंस शीट ना ऐसे अच्छी नहीं लगेगी, आप इसी में लिख लिख के करो। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो इतनी बातें यहाँ पर दे रखी है ना, यहाँ से डेप्रिसिएशन लगा दो, यहाँ से शुरू हो गई बात। हाँ जी, यहां से जो भी बातें हैं हमारी, सबसे पहले तो डेप्रिशन वाली बात निपटा लेते हैं। कहां तक चलेगा जी डेप्रिशन? ये तीन एसेट्स पे, लैंड लीज और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। ठीक है, पहले तीनों का डेप्रिशन लगा दो, मतलब लीज और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। हाँ, फिर घटाने के बाद में जो वैल्यू आएगी, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं क्वेश्चन पे लिख दूं, पर पता है बेटे एग्जामिनर ये कहेगा चीटिंग करके आया है, तो वहां पर मुझे क्या करना है, मैं क्वेश्चन पे लिखना, तो मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं क्वेश्चन पे लिख के कर दूं इसको काम को और क्लोजिंग निकाल दूं, पर एग्जामिनर मानेगा नहीं, फिर वो सोचेगा कि अड़ोस पड़ोस में कोई ब्रह्मा विष्णु महेश में लगे होंगे, वहां से काम चला रहा होगा। ध्यान से बेटे, उसको बताना है कि हम लोग भी इसको करना जानते हैं, तो फटाफट से क्या करेंगे, सबसे लास्ट में एक वर्किंग नोट बनाएंगे। करें वर्किंग नोट, बनाओ बेटा एक वर्किंग नोट बना दो। बस बेटे बस, कितनी देर की बात है, इतने तो हम बात करेंगे, इतने तो काम खत्म खत्म, बस खत्म। वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम क्या बना रहे हैं बोलो? हम बना रहे हैं क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट जो कब आ रही है, 30 जून 2020 की। लो जी फटाफट से निपटाओ बेटे, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इस बैलेंस शीट को पूरा करेगा, वो बच्चा कहलाएगा आज का हीरो बच्चा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटे बस, समझ लो उससे ज्यादा एक्सपर्ट बच्चा कोई नहीं माना जाएगा। और ध्यान रहे मैंने क्वेश्चन में सॉल्यूशन में गलत दे रखा है, कभी तुम मेरी एक्सपर्टाइज मुझे ही पेल दो। हाँ हाल ले पकड़, तेरा ही आंसर तेरे को बता देते हैं, वो मैंने जानबूझ के वहां पे झोल कर रखा है। आ जाओ जरा, बहुत चालू हो सर। यस आओ बेटे, असेट्स और लायबिलिटीज। बेटे फटाफट से नाम लिखो जल्दी से, लीज और बिल्डिंग इस पर डेप्रिसिएशन है। हाँ जी जल्दी से लिखो जी, जल्दी से लिखो, लीज होल्ड बिल्डिंग। बेटे ओपनिंग में कितनी थी, 1 जनवरी को 80,000। लो बेटा जी ये थी जी 80,000, इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है हमें। बेटा डेप्रिसिएशन कितने का लगा होगा बताओ, इसको ऐसे लिख दूं क्या? ओपनिंग में थी 80,000 माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, कितना बेटे 10% पर एनम के हिसाब से, ध्यान रखना 10% पर एनम है बेटे, 6 महीने की दूरी है, 10% पर एनम के हिसाब से बेटा 6 महीने का कितना बैठेगा, 6 महीने का बैठेगा जी 10% पर एनम के हिसाब से बेटे 6 महीने का बैठेगा 4,000। तो कितने रुपए बचे, 76,000, 76,000। क्या कहा मैंने बेटा, 76,000 हमारी यहां पर क्लोजिंग वैल्यू आ गई। हाँ शाबाश बेटा, आयुष तुमने बताया नहीं क्या गलत है। अच्छा तुम वो कह रहे होंगे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं सर, हाँ शैतानी में बोल रहा हूँ, समझ गया। लीज और बिल्डिंग के बाद में अगला नंबर क्या है बेटा, प्लांट मशीनरी। वाह 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 वाह, प्लांट मशीनरी कितने का है बेटा जी, कितने का है प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, 1,80,000। लो भाई इसका ओपनिंग बैलेंस था 1,80,000, तो भाई इस पर डेप्रिसिएशन लगाओ 6 महीने का, ध्यान रहे इस पर डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। वाह वाह, इस पे भी 10% पर एनम। वाह 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 वाह, निपटाओ निपटाओ निपटाओ। तो भाई इस पर 6 महीने का लगाओगे तो बेटे कितना आएगा,
10% होता है 18,000, आधा कर दो 6 महीने का, यानी बेटे 9,000। तो ये बैलेंस कितना बच जाएगा, 1,71,000। 1,71,000। आ जाओ जी, आ जाओ। फर्नीचर, बेटे फर्नीचर की बात करो। कौन है वो सबसे एक्सपर्ट बच्चा जो सबसे पहले बैलेंस शीट बना करके दिखाएगा? फर्नीचर। बेटे ओपनिंग बैलेंस कितने का है? ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का है 20,000। इसमें से बेटे डेप्रिसिएशन घटा दो। बेटे इस पर क्या रेट है सर? इस पर जो है 10%, इस पर भी 10% वाला काम हो गया। बताओ यार, काले वाली या सफेद वाली, वो सुना है आप लोगों ने? हाँ, तीनों पे 10% था तो एक ही बार लिख देता, चलो कोई नहीं। वो देखा है वो बकरी वाला ऐड, एक बकरी वाला दूसरे वाले बकरी वाले से पूछ रहा होता है, एक एक इंटरव्यू ले रहा होता है कोई। मैंने एक वीडियो शेयर की थी, वो कहते हैं काले वाली क्या खाती है, कि काले वाली बकरी आपकी है? हाँ जी। और वो सफेद वाली, वो भी हमारी। अच्छा वो क्या खाती है? घास खाती है। और दूसरी वाली, वो भी घास खाती है। आओ जरा, कितना हो गया जी? चलो फिर बात करेंगे इस बारे में। कितना हो गया? 1,000। तो बच कितना गया? 19,000। लो जी बेटा, जी यहां तक बात होगी। अब अगला नंबर क्या है बेटा? क्रेडिटर्स। अब इनकी बात करेंगे। क्रेडिटर्स वर रिड्यूस्ड बाई 15,000। क्रेडिटर्स घट गए जी। बेटे कोई और असेट्स पे असर आएगा? चलो जो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वो करते जा रहे हैं। क्रेडिटर्स बेटा इधर की तरफ हमारे क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के थे जी? ओपनिंग में वो थे 70,000 के। लो जी ओपनिंग बैलेंस था इनका 70,000 का, और क्वेश्चन ने कहा कि ये घट गए हैं। कितने रुपए से घट गए हैं? 15,000 रुपए से घट गए हैं। तो जब क्रेडिटर्स हमारे 15,000 रुपए से घट गए हैं तो बच कितने के गए हैं? कि जी 55,000। बेटे जिसकी वैल्यू में चेंज नहीं आया होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा, ध्यान रखना 6 महीने के बाद की बैलेंस शीट में। ब्लड प्रेशर कम हो गया है जी इनका। कितने का? 2,500 रुपए से कम हो गया जी। अच्छा जी, तो जो बीपी था वो कितने का था? ओपनिंग में था जी 10,000 का, और ये जी घट गया है कितने से? 2,500 से घट गया है जी। अच्छा 2,500 से घट गया है। तो ये कितना आ गया जी? ये आ गया है जी 7,500। 7,500। अगली बात, फिर बात है किसकी बेटा जी? फिर बात है बैंक लोन की। ये घट गया है 20,000 से। बेटे बैंक लोन कितने का था? 40,000 का। बैंक लोन, ओहो हो, बैंक लोन, ओहो हो, कितने का? ये था जी 40,000 का, और ये घट गया है कितने से बेटा जी? 20,000 से। लो बेटा जी, जब 20,000 से घट गया है तो बच कितने का गया है जी? 20,000 का। यस सर, देखा था। अच्छा देखा था, यस सर आपने स्टेटस पर लगाया था। किस दिन क्लास में दिखाऊंगा, क्लास में देखने का मजा ही अलग है। काले वाली सफेद वाली, काले वाली सफेद वाली, मजा लगा दिया कसम से। वो तो सेकंड पार्ट दोनों पार्ट दिखाऊंगा आपको, चलो। क्योंकि जब सब सब साथ में मिलकर देख रहे होते हैं ना तो एक अलग ही माहौल होता है। फेस टू फेस में आते हो जरा, वहां तुम्हें वीडियो दिखाया करूंगा काफी सारी शैतानी वाली। लो जी क्या कहता है, 30 जून को स्टॉक जो है कितने का? 70,000 का था। 30 जून को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का बेटे? 70,000 का क्लोजिंग स्टॉक 30 जून का। बेटे ये तो अपने आप ही दे दिया सीधा सीधा 70,000, इसमें तो कुछ घटाने जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, और क्या जी? बुक डेट्स कहते हैं कितने के? 75,000 के। लो बेटा जी क्वेश्चन कह रहा है क्या? बुक डेट्स, बुक डेट्स, बुक डेट्स, बुक डेट्स हैं 75,000 रुपए के। लो जी 75,000। और बेटा जी कैश एंड बैंक कितने का है? क्वेश्चन है, मैं बता दिया, कैश और बैंक है 2,500 रुपए का।
बेटे और कोई चीज देखना है, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इन सब के बारे में हो गया है, इन तीनों का भी काम हो चुका है, बस बेटे बस निपटा दो फटाफट से। अब होना क्या है, अब इसका होना है बेटा टोटल, क्या होना है बोलो, टोटल इसका टोटल करो जी। बेटे असेट साइड का टोटल कितना आया जी, जरा करना। हाँ अभी भी दिखा दूंगा, अभी नहीं दिखाएंगे, अब बाद में बात करेंगे उस बारे, है ना। हाँ जी, 76,000 प्लस 1,71,000 प्लस 19,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000 प्लस 2,500 कितना हो गया जी, ये हो गया बेटा जी 4,13,500, 4,13,500। बेटा घटाना जरा, माइनस 20,000, माइनस 7,500, माइनस 55,000, है ना। ये कितना आ गया यहाँ पे बोलो, यहाँ पर बैलेंस ही फिगर आ गई 3,31,000, ये आ गई बेटे। तो ये यहाँ पर जो है ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये है सर पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है। सर तो हमें तो सर बैलेंस शीट मिल गई, लगा दें क्या सर इस पे स्टेप, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते सर? सर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने कहा नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर हमें ये नहीं पता है मिस्टर ए की कैपिटल का बैलेंस कितना है क्लोजिंग में और बी की कैपिटल का बैलेंस कितना है। सर तो उसमें क्या है सर, बना लेंगे। मैंने कहा बनाओ, कैसे बनाओगे? कि सर उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बताओ क्या आप वर्किंग नोट 2 बनाओ। चलो मैंने कहा अच्छा कैसे बताओ, कि नहीं नहीं आप पहले बना के तो देखो। मैंने कहा चलो तुम कह रहे हो तो मैं बना देता हूँ, बना के देखो सर, अभी अभी पता चल जाएगा सर आप कैसी बातें करते हो। मैंने कहा लो कि सर देखो क्या ओपनिंग कैपिटल, मैंने कहा हाँ, आपने कहा और मैंने नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि सर देखो ओपनिंग कैपिटल लिखो आप पहले इसमें, मैंने कहा ठीक है मैं लिख देता हूँ, लिखो जल्दी जल्दी। मैंने कहा लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कहाँ से कहाँ तक के बनवा रहे हो तुम? तुमने मुझसे कहा कि सर ये 1 जनवरी 2020 से लेकर के जब हम 31 जून 2020 तक का हिसाब किताब लगाएंगे तो क्या हमारे हाथ नहीं लगेंगे बैलेंस? मैंने कहा बिल्कुल लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। कि सर फिर तो हो गया काम, आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख के देखो जनवरी 1 के, भाई इसका नाम क्या क्या है, इसका नाम है ए और बी, हाँ जरा लिख के देखो अभी बताते हैं। मैंने कहा बताओ ए और बी, ए और बी, कि इनकी ओपनिंग कैपिटल लिख दो पहले। मैंने कहा लो बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, बेटे मेरे साथ साथ नोट करते रहना कि देखो कितने की कैपिटल है। मैंने कहा इनकी जो क्लोजिंग के ओपनिंग कैपिटल है वो तो 1,38,000 और 1,52,000 की है, हाँ तो लिख दो पहले इसको। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा और मैंने लिख दिया, क्या 1,38,000 और 1,52,000। कि देखो सर अब बताओ इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ना है? मैंने कहा नेट प्रॉफिट जोड़ना है। कहाँ से जुड़ता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन से। कि हाँ जी पीएनएल अप्रोप्रिएशन से इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दो। मैंने कहा वो तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, एक काम कर लो आप ड्रॉइंग्स घटा दो इसमें से, टू बैंक लिख के आप यहाँ पे ना ड्रॉइंग्स घटा दो, ड्रॉइंग्स इनका आधा है। मैंने कहा वो भी नहीं पता। अच्छा क्लोजिंग तभी तो आएगा, ओहो इसका मतलब सर, इसका मतलब सर हमें पहले प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। वही तो मैं तब से तुमसे कह रहा था लेकिन तुम मान ही नहीं रहे थे। ठीक है सर अब आप कराओ। मैंने कहा चलो वापस आ गया मैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी फिर तुम्हें यहीं पे आना पड़ा। कहां पर? यहां पर। मैंने कहा उस बैलेंस शीट से फटाफट से क्या करो, उस बैलेंस शीट से फटाफट से क्या करो, क्या करो देखो ये तो कन्फर्म है कि ये 3,31,000 आएगी क्लोजिंग कैपिटल, कन्फर्म है क्योंकि हमने वहां कैपिटल में देख लिया। पहले क्या करो, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स भी बना के दिखाओ, इसलिए मैं यहाँ पे क्लोजिंग वाली वैल्यू लिखनी होगी। जल्दी से लिखो फटाफट से, जो तुमने वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनाई है उससे यहाँ पे वैल्यू लिख दो ताकि हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट पूरा हो जाए और हमारे इतने नंबर सिक्योर हो जाए। सबसे पहले बेटे क्लोजिंग में क्या वैल्यू है यहाँ पर 30 जून को, 76,000, फिर 1,71,000, फिर 19,000, फिर बेटा स्टॉक है आपका 70,000, फिर आपका डेटर्स कितना 75,000, फिर आपका कैश ऑन बैंक कितना है 2,500, इसका टोटल कर दो, वही तो आएगा जो बैलेंस शीट का टोटल था। हाँ जी क्या आएगा बोलो सर, 4,13,500 रुपये था। ओके
फिर लाइबिलिटीज को लिख दो भाई, ये कितने की है, 55,000, नहीं ये नहीं है, वो तो क्रेडिटर के सामने लिखना था ना, बैंक लोन तो हमारा 20,000 का है ना। हाँ, सन्ट्री क्रेडिटर्स कितने के रहेंगे कि जी 55,000 के। अच्छा और क्या बोलो बोलो, और सर इसमें 20,000 का ये हो गया, हाँ फिर ये हो गया 7,500, 7,500 इनका जरा टोटल करना, 20,000 प्लस 55,000 प्लस 7,500, भाई ये हो गया कितना, 82,500। हमने यही तो वहां निकाला था कि इनमें से इसमें से घटा दो तो हमारा कैपिटल का टोटल आ जाएगा 3,31,000, है ना, करना। हाँ मतलब हमारे हाथ लग गई थी क्लोजिंग कैपिटल। सर दो दो बार करने की क्या जरूरत है? अरे यार क्वेश्चन ने बोल दिया कि नेट असेस का स्टेटमेंट बना दो तो हमें बनाना पड़ा, वरना हमारा तो काम बैलेंस शीट से हो जाना था। हाँ लेकिन बैलेंस शीट में जाकर भी हमारा काम पूरा नहीं होता, क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस इंडिविजुअल नहीं पता क्लोजिंग में। उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना है, क्या? सबसे पहले प्रॉफिट को जानना है। बताना सर ये क्लोजिंग कैपिटल हाथ लग गई हमारे। हाँ तो इसका दूसरा स्टेटमेंट जिसके भी हमें नंबर देगा, क्वेश्चन हमसे कहता है बताओ बताओ साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया। मैंने कहा ले ये भी कोई बात हुई, उसने हमसे प्रॉफिट पूछा, उसने ये नहीं पूछा कि इंडिविजुअल पार्टनर्स के कैपिटल के क्या बैलेंस है। तो प्रॉफिट पूछा तो मैं प्रॉफिट बताऊंगा, लो जी घटाओ, 3,31,000 में से मैंने घटा दिया, क्लोजिंग कैपिटल में से मैंने घटा दिया ओपनिंग वाला 2,90,000, तो हमारा आ गया जी 50% आ गया 41,000। बेटे ये 50% और 100% ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको यहां पर लिख करके बताया ताकि आपकी बात आपको बात पूरी तरह समझ में आ जाए। तो जी जस्ट डबल, यानी कि साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया है, ओहो ये तो 82,000 कमाया है। इसका मतलब जब आधा निकालने के बाद में आधा बच गया जो है 41,000, तो फिर पूरा कितना था, ओहो ये तो 82,000 था। ठीक है सर। हाँ अब मतलब हमारा काम हो गया ना, क्वेश्चन के दो पार्ट पूरे हो गए ना, कि हाँ सर क्या अब हम थर्ड पार्ट पर चलें? मैंने कहा मैं भी चलना चाहता हूं, पहले मुझे बताओ सारे बच्चे 1 एंड 2 ओके, सारे बच्चे मुझे यहाँ पे सेस पे लिखेंगे 1 एंड 2 ओके, सारे बच्चे फटाफट से लिख के मुझे बताएंगे 1 एंड 2 ओके, जल्दी से बताओ बेटे, फिर स्पीड तभी आगे बढ़ पाएगी। सब बच्चों को साथ में लेके चलना है तो मुझे ये बताएंगे सब बच्चे 1 एंड 2 ओके। मुस्कान का मैसेज आया, यस सर। बाकी बच्चे नाश्ता बाद में कर लेना, मुझे बताया तुम पराठे चला रहे हो अचार के साथ में। हाँ उधर चाय चल रही है, पराठे चल रहे हैं, अचार चल रहा है, और इधर हाँ हाँ ओके है। चलिए अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू बेटा। आइए जरा अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहां तक बात ओके है। अब हमें क्या करना है, अब हमें, हाँ मैं वहीं पे आता हूँ, अब हमें क्या चाहिए सर? अब ना हमें, आयुष मैं तुम्हारे उस पे आ रहा हूँ बेटा, बस हमें ना सर अब हमें करना तो सर ये है थर्ड पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है थर्ड पार्ट सर, ये कि रियलाइजेशन का काम पूरा कर दो, हमें क्वेश्चन ने ये मांगा है, हमने कर लिए हैं जी, हमने कर लिए हैं जी फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, अब ये थर्ड पार्ट करने चले। मैंने कहा ठीक है तो उस पर रियलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए बताओ, बैलेंस शीट चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल सर, रोज आपका होमवर्क एंड क्लास वर्क डिवाइस कर लिया करें ना। हाँ बेटा बिल्कुल बेटा, ठीक है ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या क्या करें। अच्छा देखो मतलब अकाउंट्स की बात कर रहे हो या किसी और सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? अकाउंट्स में तो देखो बेटे मैं आपको होमवर्क दे ही कहा रहा हूँ, एक आध मुश्किल से दे दिया, बस इस यूनिट में मुझे देना है, वरना क्या होगा ना अगले अटेम्प्ट तक जाके सिलेबस पूरा होगा हमारा। तो इसीलिए मैं, बल्कि बहुत अच्छा सपोर्ट मई वालों बच्चों का रहा कि वो NBFC और बैंकिंग कंपनी और कुछ थोड़े बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें कर रहे हैं रिकॉर्डेड में, हालांकि वो लाइव बैच की रिकॉर्डिंग है आप ही की, है ना। अकाउंट्स की बात, अच्छा अब अकाउंट्स की बात में देखो जो जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ इसके अंदर अब बात करना चाहते हैं शायद, मुझे लग रहा है आप इस चैप्टर की, बेटा मेन थीम क्या है हमारी, स्टेप्स कावेरी, क्या है हमारी मेन थीम, स्टेप्स। वो स्टेप्स जो है वो हमें बताते हैं कि क्या क्या करें, ठीक है। स्टेप नंबर वन हमें ये काम करना है, यानी कि ये चीजें हैं जो हमारे मेन सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्योंकि यहां पर दो स्टेटमेंट शुरू वाले मांग लिए थे तो हमें वो भी बनाने पड़े, वरना मेन तो जो इस यूनिट है, इस यूनिट में जो मेन काम है वो तो ये है। पॉइंट क्लियर है बेटा? आइए चलिए
ये यूनिट पार्टनरशिप की थोड़ी सी ऐसी है कि जिसमें आप जब खूब जम के प्रैक्टिस करोगे, जब खूब जम के प्रैक्टिस करोगे तो जाके आप कह पाओगे यस वी आर कॉन्फिडेंट। और सिंपल सा फंडा है कि स्टेप्स करने हैं, लेकिन स्टेप्स करने से पहले मैंने आपसे पहले कहा था कि क्वेश्चन आपको क्या करता है, बोलो बोलो, रनअप कराता है, एक्स्ट्रा काम कराता है, एक्स्ट्रा काम करवाता है, फिर कहता है कि अब तुम्हारे सामने सही बैलेंस शीट होगी, अब लगाओ स्टेप। समझे? ध्यान से, मैंने पहले ही बोला था कि हाँ क्वेश्चन दो तरह के हैं, एक है सिंपल और दूसरा है जहां पर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कराने के बाद में इस चैप्टर का सही जो मेन कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कराएगा। तो मैंने आपसे कहा था बेटे आपको ध्यान रखना होगा, हमारी वर्किंग नोट में हम लोगों के पास बैलेंस शीट आ रही है, आप देखोगे अगर ध्यान से, उस बैलेंस शीट में बस एक चीज मिस है। क्या चीज मिस है सर बताओ? पार्टनर्स के कैपिटल के इंडिविजुअल बैलेंस ए और बी के, जहां पर टोटल क्या है 3,31,000। आइए जरा जरा देखिए, तो हमारा जो वर्किंग नोट है, हमारा जो वर्किंग नोट है क्लोजिंग कैपिटल, इस पर हम स्टेप लगाना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक जगह फिर से हमारा हाथ रुक जाता है, एक जगह फिर से हमारा हाथ रुक जाता है कि हमें ये चाहिए इनके इंडिविजुअल कैपिटल के बैलेंस कितने हैं, जिसके लिए हमने क्या किया बेटे, हमने बना लिया एक वर्किंग नोट। क्या बना लिया बोलो? हमने वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट बना लिया तो ये जो प्रॉफिट है ये बांटना है। हाँ जी, आप कहाँ पे बांटा करते हो प्रॉफिट को? सर हम तो ना पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बांटा करते थे कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है साल भर का, हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो हम पार्टनर्स में जब बांटते हैं तो कैसे बांटते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। कितने का प्रॉफिट है बताओ इस क्वेश्चन में? कि सर 82,000 का। मैंने कहा बताओ जब 82,000 का प्रॉफिट है तो दोनों में बटेगा तो कितना कितना होगा? दोनों में बटेगा तो सर इनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांटा जाता है। और जरूरी नहीं कि आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। और ध्यान रहे ये यूनिट अपने आप में यूनिक है, और यूनिक चीजें बेटे हमें यूनिक तरीके से करनी होंगी, और एक क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी, मैं तो पहले कह रहा हूं। आइए जरा, तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में बटेगा? हाँ जी। ए और बी में बटेगा? हाँ जी। कैसे बटेगा? कि जी इनका ना एक काम करो, क्या इनका ना रेशो देखो, रेशो कितना है बेटा? क्या हमें क्वेश्चन ने रेशो बताया? नहीं बताया जी, नहीं बताया। यानी इक्वल पार्टनर, ठीक है जी, ठीक है, इक्वल पार्टनर, यानी कि 41,000 इसके हिस्से में आया, 41,000 इसके हिस्से में आया, लो भाई इनमें प्रॉफिट बांट दो। सर हमने इसको दे दिया, इसके खाते में ट्रांसफर कर दिया, इसके खाते में ट्रांसफर कर दिया। सर लेकिन 50% तो उसने निकाल लिया। ओहो, ये अपने 41,000 का आधा ले गया, कितना आया? 20,500। और वो भी ले गया? हाँ, 20,500। जरा देखना एक बार, टोटल करना, 1,38,000 प्लस 41,000। मैं यही कहूंगा कि अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो बेहतर है कि वो एक बार फिर से इसी क्लास को रिकॉर्डेड मोड पे देख ले, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में यूनिक है, उस बच्चे की मेहनत में कमी नहीं है। ये चैप्टर आपको छोड़ो चार्टर्स को ही बड़ी दिक्कत देता है, और मैं भी उनमें से एक था कि जब मैं पढ़ता था तो बड़ी समस्या इस चैप्टर में आती थी। ठीक है, तो ये जरूरी है कि इस चैप्टर की, इस यूनिट के खूब जम के प्रैक्टिस हो। आइए जरा, 1,58,500। हाँ जी, फिर इधर बात करते हैं, 1,52,000 प्लस 41,000। एक तरीका और होता है, जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर आए तो इट्स बेटर कि हम लोग ना नोटिंग छोड़ करके समझने पे पूरा ध्यान लगाएं, और बाद में बैकअप में क्या करें उसकी नोटिंग कर लें फटाफट से। समझना ज्यादा जरूरी है, बस ये ध्यान रखना। सर ये क्लोजिंग कैपिटल? हाँ बेटे, इसका टोटल आप करोगे तो 3,31,000 आएगा। अच्छा देखो, अब एक और विकेट गिरा, सर ये 82,000 कहां से आया? आइए जरा बेटे, हमने प्रॉफिट निकाला था साल भर की कमाई। हाँ सर बताओ, साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया था? 82,000 कमाया था ना आयुष, 41,000 कमाई का आधा है, तो टोटल कमाई कितनी है? 82,000।
और जो साल भर का प्रॉफिट अर्न है वही तो बेटे पार्टनर से बटेगा बटेगा ना। देखो आयुष, मैं रुक गया, समझ गए। ओके बेटे, एक बार जरा चेक करो, इन दोनों का टोटल आ रहा है ना सेम? इन दोनों का टोटल करो जरा कितना है, 1,72,500 प्लस 1,58,500, 3,31,000। तो एक और तरीका है मेरे पास, आपको परेशानी नहीं होगी। जो मैं आपको कह रहा था क्वेश्चन नंबर 5 में, उसको भी क्लास में करा देता हूँ, ठीक है? प्रैक्टिस तभी तो होगी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब ये आ गई हमारे पास में क्लोजिंग वाली इंडिविजुअल कैपिटल, यानी कि हमारी बैलेंस शीट हमारे हाथ में लग गई 1,00,000। 1,00,000 कितना है, कितना है बताओ, ए का कितना है? 1,58,500, 1,58,500, और बेटा क्या, 1,72,500। 1,72,500 दोनों का आप टोटल करोगे बेटा सेम होगा। अब जाके हमारा क्वेश्चन शुरू होगा इस वाली यूनिट का, कि भाई बैलेंस शीट जो है पार्टनरशिप फर्म की हमारे सामने आ गई 30 जून वाली, जिसके टाइम पर हम स्टेप्स लगाना शुरू करेंगे कि जी कंपनी में कन्वर्ट हुआ। मैं रुक गया, मैं रुक गया, मुझे ना बच्चों में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा। जैसे एक आध बच्चे ने लिखा कि सर, जैसे कावेरी ने लिखा कि सर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्या क्या करें। ये बात तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग मूव करते जाएंगे, लेकिन आकर के वहीं पे रुकेंगे। क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट हमें चाहिए। अब उस क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन में हिंट दे रखे हैं वो सारे आपको यूज करने होंगे। जरूरी नहीं कि आप वो सारे अकाउंट्स बनाएं जो मैं बना रहा हूं यहाँ पर। ऊपर से क्वेश्चन ने यहाँ पर एक काम और कर दिया, दो फालतू के स्टेटमेंट बनवा लिए। कायदा तो ये था कि बैलेंस शीट हो और इस पर स्टेप लगाए जाए। इस बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना था, हमें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने थे। ओपनिंग कैपिटल तो हमारे पास में दे ही रखी थी क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल हम लोग क्लोजिंग वाले उससे निकाल लेते थे, तो हमें उससे कंपेरिजन करके प्रॉफिट निकाल लेते थे। मुझे पहले ये बात बताओ, क्या ये बात यहां तक सबकी ओके है? कितने बच्चों को कुछ कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ बेटे फटाफट से। सारे बच्चे बताएंगे ओके, और ओके ओके सम ओके, या तो ओके लिखो या सम ओके लिखो। इससे ये पता चल जाएगा बच्चे को कितना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हुई। मैं वेट कर रहा हूं बेटे, कोई जल्दी नहीं है मुझे भगाने की। सबसे बड़ी बात, मई वालों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया कि वो एनबीएफसी और बैंकिंग कर रहे हैं, हालांकि वो भी पूरी डिटेल में है। दीक्षा का ओके है, आयुष कह रहे हैं सब ओके है। बेटा सम ओके वो लिखेगा, सम ओके वो लिखेगा जिसको कम ओके है, मतलब जिसको लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का सा डाउन है चीजें। अच्छा बाकी सब बच्चे लिख रहे हैं क्लियर है सर, तो मैं ये मान रहा हूं उनका पूरा ओके है। सम ओके वो लिखेगा जिसको मुझे लगता है कि हल्का सा कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। जैसे कापेरी ने लिखा था बिंदास लिखो, बिंदास लिखो एकदम, और यहां नहीं लिख सकते तो मेरे को व्हाट्सएप पे कर दो, क्योंकि फिर ना मैं क्लास को वैसे ही मूव कर लूंगा। बाकी सब बच्चों ने लिखा ओके और क्लियर। चलिए बेटा कावेरी आपको भी ओके है, सम ओके है, अच्छा क्लियर है ओके। एक मिनट, ओके आइए हम लोग, कोई बात नहीं, जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला था हम उसको भी क्लास में करेंगे, तो क्या है ना प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए जरा, तो मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन में ओवरव्यू दूं। आइए जरा, अब हम लोग स्टेप्स लगाना शुरू करने वाले हैं, लेकिन स्टेप्स लगाने से पहले मैं आपका पूरा कॉन्फिडेंस चाहता हूं बेटे। बिजनेस 6 महीने तक चला और इन 6 महीने की यहां पर ये ट्रांजेक्शन दे रखी है। क्या दे रखी है बोलो, यहां तक 6 महीने की ट्रांजेक्शन दे रखी है, यानी कि ये जो बैलेंस शीट है पहले हमें उस बैलेंस शीट तक पहुंचना होगा जो 6 महीने के बाद की बैलेंस शीट है।
और अब हम पहुंच चुके हैं, तो अब उस बैलेंस शीट पर हमें ये वाला पार्ट, ये जो इतना पार्ट दिया हुआ है ना, 30 जून को बिजनेस बेच दिया वगैरह वगैरह, यहां से हमारा क्वेश्चन कायदे से इस वाले यूनिट का शुरू होता है। इसने कहा 30 जून को बिजनेस बेच दिया 4 लाख में, और 4 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, शेयर्स के रूप में मिलेंगे, और वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और कोई डिफरेंस होगा तो कैश में सेटल हो जाएगा। बेटा ध्यान से, ये अब हमारा क्वेश्चन इस यूनिट का शुरू हुआ। अब हम लोग स्टेप्स लगाना शुरू करेंगे। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जी जो भी हमारी असेट्स और लायबिलिटीज हैं इनकी बुक वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बोलो बोलो क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, बोलो बोलो कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कीजिए जरा। स्टेप नंबर टू क्या होगा, स्टेप नंबर टू क्या होगा, कह रहा है आयुष सर रियलाइजेशन से पहले ब्रेक दे दो। अभी तो क्लास शुरू ही हुई है, आज तो वैसे भी क्लास बड़ी देर में शुरू हुई, चलो कोई बात नहीं, ब्रेक दे दूंगा मैं। स्टेप नंबर टू ये है, स्टेप नंबर टू ये है, ठीक है। तो एक काम करो, कोई नहीं, हम ना, हाँ हम ना एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, समझ लो हमारा क्वेश्चन अब शुरू हुआ है। तो ये सब स्टेप्स लगा करके आपको क्या करना है, ये स्टेप नंबर वन ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन में, है ना। स्टेप नंबर टू क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल वाले बैलेंस। स्टेप नंबर थ्री पीसी ड्यू होगा वगैरह वगैरह। तो आपके सामने आपकी बैलेंस शीट है जी, और मैं रुक गया, ब्रेक लेते हैं, छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग ये वाला काम पूरा करेंगे, ठीक है। तो अभी तक ब्रेक से पहले मैंने आपको पता है कौन सा काम कराया, वो काम जिसमें क्वेश्चन आपको उलझाता है, बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए वेट कराता है, ठीक है। तो मैं ब्रेक लेता हूं अभी, ठीक है, 5 मिनट बाद मिलते हैं, करेक्ट 5 मिनट बाद। और जो करना चाहते हैं ब्रेक में वो आगे आगे करो, बाद में आंसर मैच कर लेना।
हाँ जी बेटा आ गए क्या? जल्दी से मैसेज मैसेज डाल के बताओ आ गए क्या? ब्रेक ओवर। बेटे एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे मैसेज डाल के बताओ आ गए हैं क्या। और दूसरी बात, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आपको टाइम चाहिए इस चैप्टर को एनालाइज करने के लिए, तो आज हम जो दूसरी क्लास करने वाले हैं वो हम आज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ताकि आप पहले इस चैप्टर के ना इस क्वेश्चन को डाइजेस्ट करेंगे अच्छे से, और इसी के बेस पे आपके लिए आज होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप उसको ट्राई करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ा सा एक पॉज मिलेगा, है ना? तो आप क्या करेंगे, आज हम लोग दूसरी क्लास नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता जरा से भी आपको रिस्क हो। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से रिवाइज करेंगे क्लास ओवर होने के बाद, और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा भी, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा सब चीजों में। तो आइए मैं शुरू करता हूं, इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं बेटा। ऐसे सही रहेगा ना आप लोगों के लिए? बताया तो करो या लगा दूं क्लास? आइए स्टेप नंबर 1, बेटे ट्रांसफर करो सारे की सारी असेट्स की और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू। फटाफट से आइए बेटा और कराइए जल्दी जल्दी। हाँ जी स्टेप नंबर 1, बेटे बताओ क्या क्या है हमारे पास असेट्स में। लीज और बिल्डिंग 76,000 की, प्लांट मशीनरी 1,71,000, फर्नीचर 19,000, क्लोजिंग स्टॉक 70,000, बुक डेट्स 75,000, और कैश एंड बैंक सही रहेगा। हाँ वही थोड़ा सा टाइम चाहिए ना आपको। कैश एंड बैंक कितना? 2,500। आइए बेटा जी ये सारे के सारे असेट्स और इधर लायबिलिटीज के कौन कौन से, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, फटाफट से ट्रांसफर करो एज पर स्टेप नंबर 1। हाँ सर आप छुट्टी दे दे करो सर, हमें बड़ा अच्छा लगता है सर छुट्टी लेना। अच्छा ये बात है, लो जी 2। क्या क्या है जी असेट्स? बेटे सारे असेट्स के नाम लिखो आप जल्दी से, मेरा किताब का पन्ना खोल लूं। लीज होल्ड बिल्डिंग लिख दूं ऐसे, कितना? 76,000 हो गया। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने की है बुक्स में? 1,71,000। नेक्स्ट टू फर्नीचर, फर्नीचर 19,000, टू स्टोक, बेटा ध्यान रखना टेस्ट होगा इसका बाद में, लिक्विडेशन का भी और इसका भी, जिन जिन का लिक्विडेशन हुआ था, और पार्टनरशिप, तो रेडी रहना। अच्छा स्टॉक के बाद में, अच्छा स्टॉक कितने का है जी? 70,000 का। सन्ड्री डेटर्स 75,000, कैश एंड बैंक 2,500, बेटा लायबिलिटी भेजो, बैंक लोन 20,000, और सेंट्री क्रेडिटर्स 55,000, बिल्स पेबल 7,500, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर बुक वैल्यूज ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2,
ट्रांसफर ओनर्स रिलेटेड अकाउंट टू ओनर्स अकाउंट। बेटा यहां पर बैलेंस शीट आप देखोगे, जरा चेक करना बैलेंस शीट में क्या है, ओनर्स रिलेटेड बस कैपिटल ही है, रिजर्व सरप्लस तो है ही नहीं सर यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इसको यहां पे लिख दो कैपिटल को, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन कितने की है जी कैपिटल? याद है 158,500 और 172,500। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू बेटे बताओ, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री परचेज कंसेशन को ड्यू करेंगे। स्टेप नंबर थ्री पीसी ड्यू, चलो जी स्टेप नंबर थ्री परचेज कंसेशन ड्यू करो। बेटे नाम क्या है नई वाली कंपनी का, परचेजर जो कंपनी है देख लो बेटा क्वेश्चन में, लिमिटेड कंपनी नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है बोलो, लिमिटेड कंपनी, क्या नाम दे रखा है बेटे, लिमिटेड कंपनी। परचेज कंसेशन ड्यू यानी कि बाई बाई परचेजर कंपनी, परचेजर कंपनी का नाम क्या बेटा, लिमिटेड कंपनी, ये रहा बेटा क्या, लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के नाम से अकाउंट खुलेगा, ये तो अंदर की बात है कि ये परचेजर कंपनी है। कितने का है जी परचेज कंसिडरेशन कि जी 4 लाख रुपए में तय हुआ कि ये सारा सामान उठा करके 4 लाख में जाएगा, चाहे असेट्स हो चाहे लायबिलिटी हो, कुल मिलाकर पूरी बैलेंस शीट लेके जा रहा है, सारे बैलेंस लेके जा रहा है 4 लाख रुपए में। ठीक है हो गया। स्टेप नंबर वन ट्रांसफर कीजिए बुक वैल्यूज ऑफ टेकन ओवर असेट्स लायबिलिटी, स्टेप नंबर टू ट्रांसफर कीजिए कैपिटल ओनर से रिलेटेड अकाउंट ओनर्स अकाउंट में, स्टेप नंबर थ्री आपने परचेज कंसेशन को ड्यू कर लिया जी, परचेजर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4 लाख रुपए में। टू रियलाइजेशन अकाउंट, पीसी वाली बात के लिए फिर बेटा ये पीसी मिल जाएगा इनको। हाँ जी बेटा कितने रुपए है बोलो, 4 लाख रुपए। हाँ जी ये 4 लाख रुपए का इनको यहाँ पे परचेज कंसेशन मिल गया। यहाँ पे कैसे मिल गया सर, अगली एंट्री हुई बाई शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी है ना, तो वहां पर भी अकाउंट हम लोग वही खोलेंगे, परचेजर कंपनी के शेयर मतलब शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी। तो जी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजर कंपनी, कौन है लिमिटेड कंपनी है ना। लो भाई 4 लाख रुपए के इनसे हमने क्या मिल गए, हमें शेयर्स मिल गए जी, 4 लाख रुपए के हमें इनसे क्या मिल गए बेटा, शेयर्स मिल गए बच्चों। अब ये जो 4 लाख रुपए के शेयर्स मिल गए ये किस में बटेंगे बोलो बोलो, पार्टनर्स में। बेटा मुझसे आगे आगे चलो, मैं तो धीरे धीरे आ रहा हूँ। स्टेप नंबर वन ट्रांसफर कर दी बुक वैल्यू टेकन ओवर असेट्स और लायबिलिटी की, स्टेप नंबर टू ऑनर्स वाले खाते, स्टेप नंबर थ्री पीसी ड्यू किया, स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर तो हमारा क्या था, प्रॉफिट से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो भी हो। हाँ जी जरा टोटल करना एक बार, इसका टोटल आया 5, 12, 5, 7 और 8, 4,82,500। बेटे इधर प्रॉफिट आएगा, इधर हमारा प्रॉफिट आया जी 69,000 का, 69,000 का, और ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा जी किसमें, दोनों पार्टनर्स में, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। बेटे इनका रेशियो कुछ नहीं बोले तो इक्वल 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 का मतलब है
इसका मतलब है 34,500, और बेटा जी 34,500 अब ये प्रॉफिट बेटे बांट दो किसमें, पार्टनर्स में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन भाई 34,500 बेटा, फिर से कितना 34,500 ये बट गया जी। हाँ जी सर, अब यही सर अभी यही मेन रहेगा ना कि सोल्ड होगा फर्म टू कंपनी। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, बस उस बैलेंस शीट का सामने होना जरूरी है कावेरी उसके लिए कि जिस पर हम ये स्टेप्स लगा सकें, और क्वेश्चन हमें इसी जगह पर, ये वाली यूनिट हमें इसी जगह परेशान करती है, उस बैलेंस शीट तक पहुंचाने के लिए आपको रास्ता बताती है, वो बैलेंस शीट नहीं देती। आइए तो बेटा जी, जब हमारा यहाँ प्रॉफिट आ गया बाबू स्टेप नंबर 5, फिर आइए शेयर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी। वाह 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 वाह, तो 4,00,000 रुपए के ये जो शेयर्स मिल गए हैं हमें टू लिमिटेड कंपनी, 4,00,000 रुपए के ये जो शेयर्स मिल गए हैं हमें, हाँ जी ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटे, पार्टनर्स में। किस रेशो में क्वेश्चन बताएगा तो ठीक है, नहीं तो फाइनल क्लेम रेशो में। क्वेश्चन ने बताया क्या? हाँ सर बता दिया इसने। अच्छा इसने बता दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, बिल्कुल जी। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटे कुछ ना बोले तो इज इक्वल टू, मतलब सॉरी इक्वल इक्वल होगा 1:1। लो जी 4,00,000 रुपए के जो शेयर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटे, किसमें, पार्टनर्स में, किसमें, ए में और बी में। ए को मिल गए और जी बी को मिल गए, कितने बेटा 2,00,000, 2,00,000 के, 2-2 लाख के मिल गए, और ये ही हमारे चले जाएंगे कहां पर बेटे, पार्टनर्स कैपिटल में। लिख देंगे हम लोग टू शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी। लो बेटा जी 2,00,000 और बेटा जी क्या 2,00,000। अब होता क्या है, कायदा तो ये कहता है कि शेयर्स को ना उस अमाउंट के रेशो में बांटो जो अमाउंट बची हुई है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई शेयर्स को आप क्या करो आधा आधा बांट, मतलब अपने रेशो में बांट लो। अगर ऐसा है तो किसी के पास फालतू अमाउंट चली गई देखा जाए तो, और किसी के पास कम, तो वो डिफरेंस किसमें होगा बेटा, सेटल कर लेंगे कैश में। जैसे ए है, ए कहेगा यार मुझे तुमने 2,00,000 के शेयर दे दिए और मेरा हिसाब किताब तो कुछ और निकल रहा था, क्या मतलब ये देखो जरा ध्यान से। ऐसे बी बोलेगा, ए कहेगा भैया मेरा टोटल लगा लो, मेरा तो, मेरे को तो आपने फालतू पैसे दे दिए, कि भैया कोई बात नहीं देख शेयर्स मिले हैं सामने वाले से, है ना, तो शेयर्स ही तो दे सकते हैं। हाँ तो एक काम कर लेना, जो तुम्हारे पास फालतू आ गया उसके बदले में कैश ले आना, और जितना तुम कैश लाओगे पक्का दूसरे का उतना ही, अच्छा टू कैश या बाई, इसको ना बाई बैंक और टू बैंक करेंगे, है ना, उतना तुम कैश ले आना, ठीक है। कितना आया बेटा यहाँ पे, आएगी 7,000 रुपए की फिगर आ रही है, बैलेंसिंग फिगर 7,000 रुपए इसके फालतू जा रहे हैं, 1,93,000 इनका टोटल है। अब दूसरे का टोटल करोगे तो उसके पास में यहां पर हिसाब किताब आ रहा था कितना, 2,07,000 का, आप इसका टोटल करो 2,07,000 आ रहेगा। देखिए उसको मिले कितने सिर्फ, उसको मिले 2,00,000, इसका मतलब इसको कैश दिया जाएगा, ठीक है ना, वो लाएगा जिसके पास एक्स्ट्रा चला गया और वो ले जाएगा जिसके पास कम गया 7,000। हो गया काम। आइए मैं एक बार फिर से बात करता हूं, ये हमारे सारे अकाउंट खत्म हो गया। आइए मैं एक बार फिर से आपसे बात करता हूं, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, क्या मैं ये पूरा क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा और मैं आज आपको पोज दूंगा इस चीज के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा चीज को रिवाइज करने का, फिर उसको अप्लाई करने के लिए टाइम चाहिए।
इसलिए हम दूसरी क्लास नहीं करेंगे, जरा इसको समझिए मेरी बात बेटा। मैंने आपसे कहा था क्या, एक तो सिंपल क्वेश्चन है, एक है एक्स्ट्रा वर्क जहां पे कराएगा, मतलब क्वेश्चन जो है ना हमसे यहाँ पर कुछ काम करवा रहा है एक्स्ट्रा। बेटा ये यहां से लेकर यहां तक का ना, इधर तक का क्या कहा मैंने बेटा, यहाँ बैलेंस शीट की डेट से लेकर के, मतलब हमें क्वेश्चन ने किसी और डेट की बैलेंस शीट दे रखी है और वो हमसे मेहनत करवा रहा है कि यहाँ वाली बैलेंस शीट को पहले ना तुम यहाँ वाली, इधर जिस डेट को डिसोल्यूशन हो रहा है, जिस डेट को कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है बिजनेस, उस डेट की बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए, उस डेट तक पहुंच जाओ बैलेंस शीट लेकर के। बेटा कंपनी नहीं बाबू, पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है ना कावेरी, तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है तो पार्टनर के पास वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जो कंपनी उनका बिजनेस खरीदने के लिए दे रही है। जैसे मान लिया मैंने अपना घर बेचा, मैंने और मेरे घर वालों ने, मतलब मैंने और हमारे घर के किसी मेंबर ने घर बेचा और पैसा मिला, तो हम घर वाले आपस में बांट रहे हैं, है ना। जिसने खरीदा वो कंपनी थी, तो पार्टनर जो है, पार्टनर है ना, वो तो आपस में बांट रहे ना, किसी के पास एक्स्ट्रा चला गया वो कैश ला रहा है, किसी के पास कम हो गया तो वो कैश ले जा रहा है। सर अब पार्टनरशिप खत्म हो गया तो अब शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनेगा, तो उसमें बैलेंस शीट शेयर कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। यस बेटा जी, बस हम यहां पर बैलेंस शीट, हम कंपनी की बात नहीं करेंगे, दीक्षा कंपनी की बुक्स में बिजनेस परचेज की एंट्री होगी, ठीक है। चलिए मैं बात पूरी करता हूँ, आइए जरा सब बच्चे बिल्कुल जीरो से सारा का सारा यहाँ पर रिवाइज करेंगे। नहीं आज 2 बजे तक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है क्लास में अगर इस क्लास को आपको खुद रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला। जैसे मैं आपकी चैट बॉक्स देखता हूँ, जैसे मैसेज मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपके रिप्लाई देखता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि बच्चों का, कि इनको बात पूरी तरह डाइजेस्ट होगी कि नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरी तरह अच्छे से नंबर लेके आए, तो अच्छे से आपको पढ़ना जरूरी है, और ये वरना ऐसे तो कोर्स भागा चला जाएगा। जहां पर रिपीटेड चीज होंगी मैं आपको फटाफट फटाफट प्रैक्टिस कराता जाऊंगा, जैसे पीस मिल में हमने किया है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक कोच चाहिए खुद भी अपने आप रीड करने का कि सर ने क्लास में क्या कराया था। जहां रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको टाइम मेरे को देना है पूरा का पूरा, मैं फटाफट फटाफट कराऊंगा, लेकिन यहां मैं नहीं चाहता रिस्क जरा सा भी। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, हम मम्मी मैं क्लास में कोई अर्जेंट बात तो नहीं है। हाँ बेटा अब सुनो बेटे, सारे बच्चे ध्यान से, मतलब क्वेश्चन तो हो गया लेकिन मैं इसको सारे को रिपीट कर रहा हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ में, पॉइंट्स के साथ में। तो सारे बच्चे बिल्कुल पेन को ऐसे रख देंगे साइड, है ना, और अपने सॉल्यूशन को ऐसे रख लेंगे सामने और इस पॉइंट को पहले समझेंगे फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। चलिए बेटे इस क्वेश्चन में जो वेराइटी है वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप की वेराइटी है, एक्स्ट्रा वर्क जहां पे करवाते हैं, यानी कि हमें जो बैलेंस शीट चाहिए बताओ कौन सी डेट की चाहिए, हमें हमें चाहिए उस डेट की जिस डेट को कंपनी सेल हुई। तो मैं एक काम करूं, डिसोल्यूशन के बजाय मैं वर्ड लिख देता हूं यहां पर, क्या, जिस डेट को हमने सेल किया, सोल्ड यानी कि बिजनेस को हमने बेचा, है ना। एक यहां पर होता है कि हमें उसी डेट की बैलेंस शीट दे रखी है जिस डेट को हमने बिजनेस बेचा, है ना। अगर हमें उसी डेट की बैलेंस शीट दे रखी होती है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम तो सीधा स्टेप लगाना शुरू करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, 5 लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरा जो एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं यहाँ पर, वहां पर कन्वर्जन वाले उसमें, कि यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें जिस डेट को हमने बिजनेस बेचा उस डेट की बैलेंस शीट हमारे पास होती नहीं है। तो हमें जो बैलेंस शीट दी होती है, हमें बैलेंस शीट रिक्वायर्ड कौन सी होती है, यहाँ की बैलेंस शीट रिक्वायर्ड है, बैलेंस शीट चाहिए यहाँ की, इस डेट की हमें बैलेंस शीट चाहिए। और बेटा जी बैलेंस शीट गिविन कौन सी होती है, हमें बैलेंस शीट गिविन यहाँ की दी होती है, हमें बैलेंस शीट ओल्ड किसी और डेट की, मतलब मैं कह सकता हूँ पुरानी किसी डेट की नहीं है, विवेक नहीं है। आइए जरा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस बैलेंस शीट को बीच की ट्रांजैक्शंस के साथ एडजस्ट करके जिस डेट को हमने बिजनेस बेचा उस डेट की बैलेंस शीट में अपडेट कर देना चाहिए। ध्यान रखना बहुत आसान क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने ये चार्ट समझ लिया वो तुरंत समझ जाएगा कि चैप्टर तो भाई 6 महीने के बाद वाली बैलेंस शीट पे स्टार्ट होगा, ये तो फालतू के काम करवा रहे हैं,
चैप्टर तो 6 महीने बाद, जैसे मतलब जो भी डेट है, जिस डेट पे बिजनेस बेचा उस डेट की बैलेंस शीट पहले ढूंढनी है, फिर उस पे ये चैप्टर स्टार्ट होगा, स्टेप लगेंगे। ये फालतू की चीजों मिल जा रहा है आपको। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें यहां से कन्वर्ट कर लेना है अपनी बैलेंस शीट को इस वाली बैलेंस शीट पे। और जब हमें ये बैलेंस शीट मिल जाएगी, जब हमें ये वाली बैलेंस शीट मिल जाएगी, तो इस पर हमारे सारे स्टेप्स अप्लाई होंगे। यानी कायदे से हमारा जो यूनिट है, जो चैप्टर है, वो ये है। यस सर, अब क्लियर हो गया अच्छे से। ओके, कोई नहीं, मैं बात पूरी बताऊंगा। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या हमें ये वाली बैलेंस शीट दे रखी है? मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन की डेट अगर डालूं, तो यहां पर बेटे जो हमारी डेट है इस क्वेश्चन में, मैं सारी फिगरें हटा रहा हूं और मैं यहां पर ना डेट डाल रहा हूं। अच्छा, हमारी जो बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में हमें चाहिए, कौन सी डेट को हमने बिजनेस बेचा? हमने सर 30 जून 2020 को बेचा। इस क्वेश्चन में 30 जून 2020 को बेचा सर। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने 30 जून 2020 को बिजनेस बेचा सर। ओन 30 जून 2020 हमने बिजनेस बेचा, पर हमारे पास बैलेंस शीट है क्या 30 जून की? तो हमने कहा नहीं सर, नहीं, यहाँ तो बैलेंस शीट तो सर 31 दिसंबर की दे रखी है। अच्छा, इसका मतलब ये जो बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ पर, ये वाली जो बैलेंस शीट दे रखी है, ये कौन सी डेट की दे रखी है? सर ये तो हमें पुरानी डेट की दे रखी है, ये दे रखी है सर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2019 की दे रखी है सर। 6 महीने पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है। तो इसका मतलब तुम्हें कन्वर्ट करना होगा सारी की सारी बैलेंस शीट को, सारी फिक्स असेट्स को 6 महीने का डेप्शन लगाने के बाद 31, ये 30 जून वाली बैलेंस शीट पे लाना होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तुम्हें करंट असेट्स में देखना होगा कि कोई डेटर घट गए हैं क्या, कोई कैश बैंक में चेंज आए हो है हुआ है क्या, या लायबिलिटी घट गई है क्या। बेटे कमाल की बात, सबसे बड़ी कमाल की बात, क्वेश्चन ने बता दिया हमें कि भाई साहब फिक्स असेट्स को डेप्रिसिएशन 6 महीने से घटा दो, तुम्हारे पास बैलेंस शीट मिल जाएगी 30 जून वाली, और फिर स्टेप लगा लेना। करंट असेट्स में भाई डेटर को इतने से घटा बढ़ा दो और फिर बैलेंस शीट आ जाएगी तुम्हारी, उस पर स्टेप लगा लेना। लायबिलिटीज इतने से कम कर दो, तुम्हारे पास 6 महीने बाद वाली बैलेंस शीट मिल जाएगी। लेकिन उसने एक गड़बड़ कर दी क्वेश्चन ने, क्या क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि यहाँ पर जो ए और बी की जो पार्टनर की कैपिटल पुरानी बता रखी है, कि उसको हम यहाँ पर कैसे निकाले, यहाँ पर ए और बी की कैपिटल, क्योंकि बेटे यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन ने हमें कैपिटल थोड़ा बता रखी है, और हमारे को स्टेप्स लगाने हैं तो सारा काम निपटाना है, उसके लिए हमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल बैलेंस पता होने जरूरी है। वो हमें क्वेश्चन कभी बताता नहीं है, बड़े ही मुश्किल से तो बताता है कि कितना चेंज आया फिक्स एसेट्स में, करंट एसेट्स में। नहीं बताएगा तो हम मानेंगे जितनी पहले थी उतनी ही फिक्स एसेट्स बची हुई है, जितनी करंट एसेट्स पहले थी उतनी ही क्वेश्चन तो में करंट एसेट्स क्लोजिंग में आएगी। अब क्वेश्चन ने, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस नहीं बता रखे, हमारे पास में जो फिगर आ रखी है वो यहाँ की ना टोटल फिगर आ गई 3,31,000 की। तो इसका हमें इंडिविजुअल बैलेंस जानने के लिए तो हमें मजबूरी में एक काम करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमें बनाने पड़ेंगे ना 6 महीने के। और हमने बना लिया, हमने ये बना लिया, और फिर हम यहां पर पहुंच गए और हमने इंडिविजुअल बैलेंस ढूंढ लिया, जो हमने वर्किंग नोट में पूरी बैलेंस शीट तैयार की है। जब हमारे हाथ लग गई, फिर हमने यहाँ पर स्टेप्स लगाने शुरू किए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 वगैरह 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 हमने लगाने शुरू किए। आइए जरा ध्यान दीजिए, अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो गया हो या कोई दिक्कत रही हो तो आइए जरा। ऊपर से गजब हो गया क्वेश्चन ने, क्या क्या दो फालतू के काम करवा लिए। तो बच्चे को पहले तो यही समझना भारी था कि ये करना क्या है, ऊपर से क्या हुआ, यहाँ क्वेश्चन ने कहा कि दो चीजों बना के दिखा दो जी। तो भाई इन दोनों पॉइंट को तुम इग्नोर करके तुम थर्ड पार्ट पे आओ जरा। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए। तो पहले बैलेंस शीट बनाओ। मैंने कहा लो सर बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बना ली, हाँ क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। हाँ जी, ये दे रखी है सर यहाँ पर कि 6 महीने में क्या क्या चेंज आया। हमें सर ये पूरे 6 महीने का चेंज यहाँ पे दे रखा है, चेंज जो चेंज हुआ जिसको हम एडजस्ट करेंगे। ये चेंज एडजस्ट करने के बाद में हम पहुंचेंगे कब, कहाँ पहुंचेंगे, ये इस वाली बैलेंस शीट पर। हमने निकाल ली सर बैलेंस शीट। अब हम स्टेप लगाना चाहते हैं सर। मैंने कहा लगाओ। स्टेप लगाना शुरू किया तुमने, तुमने भेज दिया, किसको भेज दिया बेटे, तुमने स्टेप नंबर 1 कर दिया। ओके कर दिया जी, मैं यहां पर कलर पेन से लिखूंगा, ग्रीन कलर के पेन से। ओके, तुमने स्टेप नंबर 1 कर दिया। कैसे,
सारी असेट्स की तुम्हें इंडिविजुअल वैल्यू पता थी तो तुमने भेज दिया। लो जी तुमने भेज दिया, स्टेप नंबर वन, तुमने यहां पर सारी की सारी असेट्स को यहां पर भेज दिया। ठीक है, फिर चले कहां पर, स्टेप नंबर लायबिलिटी, स्टेप नंबर वन में लायबिलिटी भी भेजनी थी। हाँ, तो तुमने बेटे यहां पर स्टेप नंबर वन का दोनों तरफ से ओके कर दिया, असेट्स भी भेज दी और लायबिलिटी भी भेज दी। चलो जी, लो जी हमने यहां पर लायबिलिटी भी भेज दी, ध्यान रहे तुमने असेट्स भी भेज दी और लायबिलिटी भी भेज दी, स्टेप नंबर वन तुमने कर लिया। लेकिन जब तुम स्टेप नंबर टू करना चाहते थे तो क्योंकि तुम्हारे पास में इनके इंडिविजुअल बैलेंस नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे पास में सब कुछ पता था बैलेंस शीट में लेकिन इंडिविजुअली बैलेंस कितना है ये नहीं पता था दोनों पार्टनर्स की कैपिटल में। अब जब तक ये नहीं होगा कि इंडिविजुअल बैलेंस नहीं पता चलेंगे तुम्हारा स्टेप टू पूरा नहीं होगा, क्योंकि ए को कितने रुपए दिए जाएंगे बी को कितने रुपए दिए जाएंगे ये थोड़ा ना पता चलेगा क्वेश्चन में। भूल जाओ कि फर्स्ट और सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट ये है, बस इसी को फोकस करो। हमें ये बैलेंस शीट ढूंढी ढूंढ ली लेकिन हम नहीं ढूंढ पाए इंडिविजुअल बैलेंस, और तब हमें बनाना पड़ा, क्या बनाना पड़ा जी, हमें बनाना पड़ा इन छह महीने के दौरान पार्टनर्स की कैपिटल में क्या क्या चेंज आया। मैंने कहा भैया ये चेंज आया, और तब जाके हमें पता चला कि अरे ये 3,31,000 में इंडिविजुअल बैलेंस क्या थे। तो ये जो बैलेंस है ये छह महीने के बाद वाली बैलेंस शीट में इंडिविजुअल कैपिटल के बैलेंस ढूंढने के लिए हमने बात की। चलिए फिर हम वापस पहुंच गए और हमने ढूंढ के वो बैलेंस इंडिविजुअल वाले लिख लिए। अब जाके हमारा स्टेप नंबर टू लग सका। भूल जाओ कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन में दिए थे, मेन पॉइंट ये है। तो स्टेप नंबर वन कर लिया हमने, रिलेशन भेज दिए, स्टेप नंबर टू करें क्या, हाँ कर दिया जी। ये रहा जी, यहां बताओ कि जी ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने यहां पर भेज दिए हैं ये वाले बैलेंस, स्टेप नंबर टू। अब है स्टेप नंबर थ्री, परचेज कंसेशन को ड्यू करना। ठीक है जी, परचेज कंसेशन को ड्यू किया हमने, ये रहा जी हमारा स्टेप नंबर थ्री, हमने ड्यू कर लिया। फिर हमने लगाया बेटे स्टेप नंबर फोर, ये रहा जी हमारा स्टेप नंबर फोर, जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में बांट दिया जिस जिस पार्टनर में बांटना था। ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, ध्यान रखना। छह महीने का प्रॉफिट बांट के तो छह महीने के बाद के बैलेंस तो हमारे पास में है अब सामने, ये रियलाइजेशन वाला प्रॉफिट है, स्टेप नंबर फोर। फिर हमने बात की स्टेप नंबर फाइव कि भैया पीसी को रिसीव कर लो। लो भैया पीसी रिसीव हो गया और ये पीसी रिसीव हो गया। स्टेप नंबर सिक्स कि भैया इसको ना बांट दो, इसको बांट दो, यहां पर हमने इसको बांट दिया, स्टेप नंबर सिक्स भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है जी, तो ये थी बेटे इस क्वेश्चन की कहानी। डिफरेंस जो भी रहा वो हमने कैश बैंक में सेटल कर दिया। पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये पिक्चर क्लियर है, यहां पर इस क्वेश्चन की क्या ये पिक्चर क्लियर है, मुझे प्लीज बताइएगा। हाँ तो हाँ, ना तो ना। देखो S O M E, सम ओके तब लिखना अगर आपको लगता है कि कुछ ओके है सर, कुछ थोड़ा सा भी बचता है। वो कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक हम ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, ध्यान रखना। और मैं पहले आपको होमवर्क में इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या करना है, पहले ये क्वेश्चन आपको दोबारा बाई हैंड सोल्व करना है। वो बच्चा जीत जाएगा, वो बच्चा इस रेस में जीत जाएगा, सबसे आगे पहुंच जाएगा अगर ये सारा का सारा क्वेश्चन बच्चे ने दोबारा से बाई हैंड सोल्व कर लिया और फिर उठाया क्वेश्चन नंबर 5 को। शर्त लगा के कह सकता हूं, मैं आंख बंद करके कह सकता हूं, वो बच्चा रेस में फर्स्ट है इस चैप्टर की। बहुत अच्छे से समझ में आया सर जी, यस सर अब क्लियर है, ओके है। चलिए जी, चलिए फिर भी मैं ये कहूंगा बेटे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसको ना दोबारा से बाई हैंड, है ना, बाई हैंड इसको सोल्व कर लेना। अब अगली बात, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को यहां पे पढ़ा रहा हूं, बस पढ़ा मतलब रीड करा रहा हूं, दिखा रहा हूं कि देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बातें लिखी थी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में बातें लिखी है। लेकिन प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है बाई हैंड दोबारा से, ठीक है ना। कसम है बेटे, देख लो उसे, उसी की कसम है, बस बेटे बस उसी की कसम है, देख लो। हाँ वो अभी डेट भी आ रही है आपकी, बस देख लो, घर वालों की कसम है या जिसकी भी कसम तुम्हें अच्छी लगे, हाँ बस देख लो, तुम्हारी मर्जी है बस, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार बस रीड करा रहा हूं और तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को घर पे करने से पहले पहले क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा से बाई हैंड सोल्व करना है अलोंग विद ग्राफ, ठीक है।
तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ा रहा हूं, एक बार रीड करा रहा हूं, ताकि आपको घर में पढ़ने में, क्वेश्चन के समझने में पूरी आसानी हो, और जिसने क्वेश्चन समझ लिया सॉल्यूशन तो वही कर पाएगा। देखो बेटे, डिक्टो सेम एज इट इज सेम, मिस्टर एम और डी है यहां पर पार्टनर, जो वहां ए और बी थे वो यहां पर एम और डी है। बेटे आपका जो अलग है बैच वो अलग चलता रहेगा आयुष, ठीक है, बस ये यूनिट एक बार खत्म हो जाए, है ना, पार्टनरशिप की ये वाली यूनिट खत्म हो जाए, फिर आपका उधर जो कंसाइनमेंट चल रहा था ना आयुष, वो वहां पर से शुरू कर देंगे हम, डोंट वरी बिंदास। आइए, और इवन आप ध्यान रखना, अभी एक आपके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दो, जो ग्रुप वन का बैच शुरू हो रहा है आयुष, वहां पर आपके सारे चैप्टर लगभग सेम है एडवांस वाले, तो आपका बेसिक तो अलग चलता रहेगा बेटे सीएमए वालों का, वो एडवांस वाले चैप्टर वहां पर फर्स्ट ग्रुप सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप के साथ में करें, क्योंकि सेम चैप्टर है, आप ही के सेम नोट्स हैं। बेसिक जब तक खत्म नहीं हो रहा था मैं रुक रहा था आपको नोट्स देने से, अब आपको नोट्स मिल जाएंगे, दो या तीन दिन के अंदर अंदर मैं बुक आईजीपी को दे दूंगा, जो आपको नोट्स दे देंगे आयुष, ठीक है बेटा। अब आ जाओ जरा इधर, अब इधर ध्यान दें बेटा, सारे बच्चे मेरे साथ साथ एक बार पढ़ेंगे। बेटे ए और बी की जगह यहाँ पे क्या है बोलो, मिस्टर एम और डी, और ये इक्वल पार्टनर ने क्वेश्चन ने रेशियो दे दी। बेटे ये बैलेंस शीट कौन सी डेट की दे रखी है? सर ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर 2019 की। अच्छा बेटा बिजनेस कब बेचा? सर बिजनेस तो बेचा है 30 जून 2020 को। अच्छा मतलब बेटे 6 महीने के बाद बेचा? हाँ सर। अच्छा बेटे 6 महीने में क्या क्या चेंज आया? कि सर क्वेश्चन ने यहां पे बता रखा है कि 6 महीने में क्या क्या चेंज आया, 6 महीने में क्या क्या चेंज आया। बेटे ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने एग्जामिनेशन वाला सिलेक्ट ना किया हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जामिनेशन वाला मैंने सिलेक्ट ना किया हो। दूसरी बात बेटे, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े आसान है अगर आपने वो नजरिया समझ लिया, ठीक है, डिक्टो सेम है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 महीने के बाद की जब आप बैलेंस शीट बना लोगे वो किस बेस पे बनाओगे? इस चेंज के बेस पे। हाँ इसमें भी बेटे वही बात कह रहा है, आधा प्रॉफिट निकाल लिया है ना, क्या कहा, पार्टनर ने विड्रू कर दिया आधा प्रॉफिट, ठीक है, मतलब वही बेटे। हाँ बिल्कुल सेम है बेटा विवेक, यही मैं कह रहा हूँ, 50% प्रॉफिट निकाल लिया। अब यहां पर बस क्या है, यहां पर काले वाले सफेद वाले पूरी तरह नहीं हुआ, क्या मतलब, यहां पर बेटे डेप्रिसिएशन 10% 10% दो बार तो हुआ, पर तीसरी बार काले वाले सफेद वाले एक जैसा नहीं हुआ, तीसरी बार उन्होंने कहा 5% पर एनम। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 10% 10% 10% था, यहां पर 10% 10% और क्या 5%। डिक्टो इसी तरह का है वो क्वेश्चन, और एग्जाम में आया है जी बार बार, कह रहा है कि क्रेडिटर्स घट जाएंगे इतने रुपए से, 30 जून को स्टॉक इतने का, ब्लड प्रेशर इतने का, डेटर इतने का, वगैरह 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 वगैरह। कुल मिलाकर बात है जी कि आप 6 महीने बाद वाली बैलेंस शीट में पहुंच जाओगे। अब की बार क्या होगा, अब की बार यहां पर परचेज कंसीडरेशन, जैसे वहां पे 4 लाख सीधा सीधा दे रखा था, यहां पर ऐसे सीधा सीधा नहीं दिया, इसने बस एक बात बोली क्या, कि परचेज कंसीडरेशन खुद निकालो, अलग अलग होगी बेटा, बिल्कुल अलग अलग चलेगी, ठीक है। ग्रुप वन अलग चलता रहेगा, ग्रुप टू अलग, ग्रुप वन शुरू होने वाला है ना अभी। हाँ सीएमए वाले स्टूडेंट्स, कावेरी तुम थोड़ा ना हो सीएमए में, सीएमए वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस पूरा ग्रुप वन ग्रुप टू मिला करके है, तो वो कुछ चैप्टर ग्रुप वन के साथ पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर ग्रुप टू के साथ में पढ़ेंगे, और कुछ चैप्टर उनके लिए अलग चलाए जा रहे हैं, फंडामेंटल, फंडामेंटल जल्दी खत्म हो जाएगा उनका, और ग्रुप टू बस थोड़ा टाइम तक वो इसी चैप्टर के साथ में है आपके, इसके बाद में ग्रुप टू में उसका कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है, सीएमए वालों का कोई चैप्टर ग्रुप टू में नहीं है इसके अलावा, यानी कि उनको सिर्फ 2 ही क्लास अटेंड करनी है, सीएमए के लिए ग्रुप वन इंटर के साथ में हम चैप्टर पढ़ेंगे, और बाकी जो उनके लिए अलग से क्लास हम लगा रहे हैं फंडामेंटल की। अब इधर फोकस कीजिए सारे बच्चे, कह रहे हैं यहाँ पे परचेज कंसेशन खुद निकालो, लिखो यहाँ पे पीसी खुद निकालो, पीसी खुद निकालो, यहाँ पे कैलकुलेट करवाएगा बेटा, जो यहाँ पर आपको क्या कहा मैंने, जो यहां पर नेट असेट्स आई थी है ना, कह रहे उसमें जोड़ दो क्या, गुडविल की वैल्यू 1,08,000 रुपए जोड़ देंगे बस, तो आपका पीसी आ जाएगा, ये आ गया आपका परचेज कंसेशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 लाख दे रखा था, तो बेटे यहां पर 4 लाख की बजाय इसने तरीका बोला कि गुडविल इतने रुपए की है जोड़ दो,
और जो परचेज कंसेशन आया वो शेयर्स में 10 रुपए वाले शेयर से का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने में? तो मैं यहीं पे फिर क्लास ओवर करता हूं, ताकि आप लोग क्या करें, घर से सबसे पहले बेटे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से बाय हैंड सोल्व करें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कोई बात नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने मेरी बात मानी, अगर आपने मेरी बात मान ली, मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, उम्मीद क्या यकीन है, अगर आपने मेरी बात मानी, क्या बात मानी सर बताओ, कि आप पहले सेम क्वेश्चन को दोबारा से समझ के बाय हैंड सोल्व करें, फिर जाकर के ये वाला क्वेश्चन अप्लाई करें, ठीक है? गारंटेड आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो मैं ओवर करता हूँ। ओके बच्चों, बाय 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 बाय।